बच्चे अब हम अपनी रिवीजन करने लगे हैं सेकेंड टॉपिक की, जिसका नाम है लॉ ऑफ टॉट्स। बच्चे जब हम लॉ ऑफ टॉट्स की बात करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये भी छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, इट विल बी कवर्ड विद इन 1 आवर 1 आवर 10 मिनट्स, सिमिलर टू आरटीआई, जैसे हमने आरटीआई किया। व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ टॉट्स, तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बच्चे, लॉ ऑफ टॉट्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज़ कहता है कि सर टॉट्स का मतलब क्या होता है। जब मैंने पहली बार ये चैप्टर पढ़ा होगा अपनी लाइफ में, तो पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आया कि सर ये एक्ट क्यों नहीं है, लॉ ऑफ टॉट्स एक्ट होना चाहिए, हर कानून में एक्ट आता है, कोड आता है, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, कोई ईयर ही नहीं है इसका। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आया कि ये एक्ट क्यों नहीं है। दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आया कि एक्ट नहीं है इसका मतलब इसका ईयर नहीं है, इसका मतलब इसकी डेट्स वगैरह भी मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आरटीआई में याद करी, तो इसका मतलब एक तो रिलैक्सेशन है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि यार टॉट्स का मतलब क्या होता है, टॉट वर्ड ही पहली बार सुना है, टॉट का मतलब क्या होता है। तो दो क्वेश्चन दिमाग में थे, पहला ये कानून क्यों नहीं है और दूसरा टॉट का मीनिंग क्या होता है। तो फिर मैंने जब पढ़ा इस चैप्टर को, मैंने आईसीएसआई के मॉड्यूल से स्टडी किया एज अ स्टूडेंट, ये बात है सन 2004 की, 2004 की बात है ये, जब मैं एग्जीक्यूटिव में आया था तब मैंने इसको स्टडी किया, तो मुझे पता चला कि टॉट्स में इंडिया को लेके कोई कानून है ही नहीं, इंडिया में टॉट्स का कोई लॉ नहीं है, इंडिया में टॉट्स जो है वो प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस पे चलता है, इसका मतलब ये कोई पर्टिकुलर इनैक्टमेंट नहीं है। चलो ये बात तो समझ आ गई कि पर्टिकुलर कोई लॉ नहीं है। लेकिन जब किसी चीज़ पे लॉ ना हो और उसमें कोई झगड़े होते होंगे तो कोर्ट में तो जाते होंगे, इसका मतलब किसी चीज़ पे कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है लेकिन झगड़े होते हैं तो कोर्ट में जाते हैं, तो मतलब इसमें जजमेंट्स बहुत सारी होंगी। तो ये हेडिंग पढ़ते ही मेरे दिमाग में इतना तो समझ आ गया कि अगर ये लॉ नहीं है, अगर ये इनैक्टमेंट नहीं है, तो इसके लेके जितने भी झगड़े होंगे कोर्ट में जाते होंगे, क्योंकि लॉ अगर है फिर तो कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। पुलिस, आपने ट्रैफिक लाइट क्रॉस करी, पुलिस वाले ने रोका, लॉ है, कानून है, चालान काटा, खत्म हो गई बात। लेकिन जिस चीज़ पे कोई लॉ ही नहीं होगा उस पे तो झगड़े होंगे, और झगड़े होके कहाँ जाएंगे, वो झगड़े कोर्ट में जाएंगे। तो इससे मुझे रियलाइज हुआ कि इस चैप्टर में बड़ी सारी जजमेंट्स होंगी जो मुझे याद करनी पड़ेंगी। यस और नो, खैर एनी हाउ, अब जब हम आए इस पे तो सबसे पहला क्वेश्चन आया कि सर टॉट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टॉट। सुनिए, जब मैंने पढ़ा इसको मॉड्यूल में से, तो सबसे पहले कहता है कि एक लैटिन वर्ड होता था टॉटम, उस लैटिन वर्ड टॉटम से फ्रेंच में एक वर्ड आया टॉट, तो टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड जो कहां से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड टॉटम से डिराइव हुआ है। कहता है सर इसका इंग्लिश में मतलब होता है सिविल रॉन्ग, आई रिपीट, क्या वर्ड होता है, सिविल रॉन्ग। अब देखो रॉन्ग दो तरीके के होता है, सिविल एंड क्रिमिनल, अगर सिविल रॉन्ग है तो कहता है वो टॉट माना जाएगा। यार बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, टॉट क्या है अभी मैंने बताया नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा कि टॉट एक वर्ड है, लैटिन वर्ड टॉटम, उससे डिराइव हुआ टॉट, ट्रॉट, टॉट कौन सी भाषा का वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है, सिविल रॉन्ग। डन, टॉट की डेफिनेशन आपके कोर्स में दी गई है, आपके कोर्स में देर आर 4 डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ टॉट। उससे पहले मैं आपको एक फटाफट से एग्जांपल देता हूं कि टॉट का मतलब क्या होता है। आप गली में क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेलते हुए आपने सामने वाले की खिड़की का शीशा तोड़ दिया, अब आपने गलती से शीशा तोड़ दिया, क्या सामने वाला शोर मचाएगा, नहीं मचाएगा, क्या सामने वाले की खिड़की का शीशा लगवाने का जो भी खर्चा आएगा आप दोगे कि नहीं दोगे, दोगे, तो ये क्या है, टॉट है, क्लियर है ये बात। दूसरा एग्जांपल, आप पार्क में जा रहे थे, पार्क में जब आप घूम रहे थे, वॉक कर रहे थे, पड़ोसी के कुत्ते ने आपको काट लिया, जब पड़ोसी के कुत्ते ने आपको काट लिया, पहली बात क्या है, क्रिमिनल रॉन्ग है, क्या उसको फांसी चढ़ा दोगे, क्या उस पर केस करवाओगे, ऐसा नहीं है, ये एक सिविल रॉन्ग है। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, जो आपका खर्चा आ रहा है, जो आपको चोट लगी है, उसका जो डॉक्टर की फीस है, आप 3 दिन ऑफिस नहीं गए, उसका जो खर्चा है वो सारा आप उससे लोगे, यस और नो। तो दीज आर दी सिविल रॉन्ग्स, और इनको हम क्या बोलेंगे, टॉट, क्लियर है। अमित वोरा क्लासेस में आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी के अभी आपके ऊपर से प्रोजेक्टर गिर जाए, आपके सर पे लग जाए, आपके सर को में चोट लग जाए, 5,000 रुपये का खर्चा आ गया, स्टिचेज आ गए, वो सब कौन देगा, मैं दूंगा, क्लियर है ये बात, हाँ या ना, क्योंकि ये मेरा प्रिमाइस है। अब क्या मैंने जानबूझ के गिरा है, गलती से गिर गया, गलती से, और मेरी गलती भी नहीं है, अब वो गिर गया, गिर गया, क्या कर सकता हूँ, तो ये भी टॉट के अंदर आएगा, समझ आ रही है ये बात, क्लियर है। कैन वी डिस्टिंग्विश टॉट फ्रॉम क्राइम, हाँ या ना, मैंने जानबूझ के ऊपर से झूमर खोल के रखा कि आप पे गिर जाए, ये क्या है, क्राइम है, अटेम्प्ट टू मर्डर, हाँ या ना, गलती से तार टूट गई और नीचे गिर गया, ये क्या है, टॉट है, समझ आ रही है बात, यस और नो, सुनिएगा बड़े ध्यान से। आपने कभी बचपन में ये समझ आ गया, किसी का मैंने गलती से शीशा तोड़ दिया, या किसी के कुत्ते ने मुझे काट लिया, या ऑफिस में प्रोजेक्टर गिर गया, या और तो और, सुनिएगा बड़े ध्यान से, आप मान लो फॉर एग्जांपल
जैसे हम बात करें तो आप कहीं स्कूल के बाहर से जा रहे थे या कहीं आप जा रहे थे, बिल्डिंग गिर गई, वो भी टॉट है, क्लियर है। मेरी गाड़ी खड़ी थी, सुनिएगा, मेरी गाड़ी खड़ी थी, हालांकि गाड़ी की इंश्योरेंस मैंने करवा रखी है, मेरी गाड़ी खड़ी थी, साथ में बिजली का खंभा था, वो गिर गया, वो भी टॉट है, आया ना। क्या मैं केस कर सकता हूँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे? यस, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। वो ये नहीं कह सकते जी इतने सारे खंभे हैं, खाली यही वाला तो गिरा है तो क्या हो गया, इंश्योरेंस करा लो। नहीं, मैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर रहा, मैं क्यों अपना ट्रैक रिकॉर्ड खराब करूं, आपको मेरे को ठीक करवा के देना पड़ेगा। समझ आ रही है ये बात, ध्यान से सुनिएगा। आपने कभी बचपन में अगर पढ़ा हो तो दो तरीके के डैमेजेस होते हैं, लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं जो पहले से फिक्स्ड होते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं जो पहले से फिक्स्ड नहीं होते। सुनिएगा, आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, इधर देखिए, आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें पहले से लिखा हुआ था अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे तो कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगी तो 2 लाख का जुर्माना, और आपने तोड़ दिया तो मैं आप पे 2 लाख के लिए केस करूंगा, यस और नो? ये पहले बताओ, प्लांट था अनप्लांट था? प्लांट था ना, खर्चा पहले से ही डिसाइडेड था, हाँ या ना, कॉम्पनसेशन पहले से ही डिसाइडेड था, तो ये लिक्विडेटेड हुआ, तो ये टॉट है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ रही है बात? कहता है टॉट तो वो होता है जो आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था, सामने वाले का आपने नुकसान कर दिया, और कितने का नुकसान हुआ ये आपको पता भी नहीं है, तब वो टॉट माना जाएगा। मतलब टॉट में हमेशा बताओ लिक्विडेटेड डैमेजेस होंगे, अनलिक्विडेटेड? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होंगे, मतलब ऐसे डैमेजेस जो प्लान्ड नहीं थे। सामने वाले के कुत्ते ने आपको काट लिया, अब उसके मालिक को थोड़ी पता कि आपको कितना खर्चा आएगा, या उसके मालिक को थोड़ी पता कि आप 5,000 रुपए पर डे के एम्प्लॉय हो या 500 रुपए पर डे के। एम आई क्लियर? देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है सर टॉट्स में, लॉ ऑफ टॉट्स में, टॉट एक लैटिन वर्ड टॉटम से डिराइव हुआ, जिसको टॉट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है सिविल रॉन्ग। डन, क्लियर है? कहता सर टॉट की 4 डेफिनेशंस दी गई है, देखिए, एक दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज एम में। ये जो सेक्शन 2 क्लॉज एम है, ये तो कोई टॉट तो कोई एक्ट है नहीं, टॉट कोई एक्ट तो नहीं है, तो ये सेक्शन 2 क्लॉज एम किसका है? लिमिटेशन एक्ट 1963 का है, याद रखिएगा, लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 2 क्लॉज एम है जो टॉट की बात करता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये क्या कह रहा है, कह रहा है टॉट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग, यही बात मैंने आपको बताई, हाँ या ना, सिविल रॉन्ग, यही बात मैंने बताई। लेकिन जस्टिस सैलमेंट थे जो न्यूजीलैंड के जज थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस डेफिनेशन में एक चीज और ऐड कर दी, इन्होंने कहा ऐसे तो 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, वो भी तो सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल थोड़ी है भाई। आपने अमित वोरा को ज्वाइन किया, अमित वोरा ने कहा मैं नहीं पढ़ा सकता, फीस वापस ले लो, तो ये सिविल रॉन्ग है क्रिमिनल रॉन्ग है? सिविल रॉन्ग है। लेकिन जज साहब ने कहा हर सिविल रॉन्ग जो है वो टॉट नहीं होता, वो सिविल रॉन्ग टॉट होता है जिसमें डैमेजेस फिक्स ना हो। समझ आ रही है ये बात? तो इसलिए जस्टिस सैलमेंट ने क्या बोला, देखिए, सिविल रॉन्ग प्लस अनलिक्विडेड डैमेजेस, सही बोली ये बात, हाँ या ना? इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जो सेक्शन 2 क्लॉज एम में डेफिनेशन है वो कहते हैं टॉट मीन सिविल रॉन्ग, जबकि जस्टिस सैलमेंट ने बोला हर सिविल रॉन्ग टॉट नहीं होता, वो सिविल रॉन्ग भी 2 तरीके के होंगे, जिसमें डैमेजेस फिक्स्ड है या नॉन फिक्स्ड है, जिसमें लिक्विडेटेड है वो टॉट नहीं है, जिसमें अनलिक्विडेटेड है मतलब फिक्स नहीं है वो टॉट माना जाएगा, क्लियर है? तो पहली बात क्या, हर सिविल रॉन्ग टॉट होता है? नहीं। कौन सा सिविल रॉन्ग टॉट है? जिसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और जिसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं है, प्लांट नहीं है, अनलिक्विडेटेड है, वो टॉट माना जाएगा। एम आई क्लियर? पक्का? इसी बात को विनफील्ड ने अपने तरीके से बोला, विनफील्ड ने बोला कि अगर कोई बंदा अपनी ड्यूटी को तोड़ता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है विद अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, बात फिर घूम फिर के वही आ रही है, अगर मैंने आपसे पैसे लिए और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पहली बात ये कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, अब सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, पढ़ाना मेरी ड्यूटी है, मैंने नहीं पढ़ाया, आप क्या करोगे, केस फाइल करोगे, कितने अमाउंट के लिए? अपनी फीस के लिए। तो वो लिक्विडेटेड हुआ अनलिक्विडेटेड? लिक्विडेटेड, तो वो भी टॉट नहीं माना जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, हाँ या ना? घूम फिर के इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहली डेफिनेशन बोलती है सिविल रॉन्ग, दूसरी बोलती है खाली सिविल रॉन्ग से कुछ नहीं होगा, हम ये भी देखेंगे डैमेजेस लिक्विडेड आया अनलिक्विडेटेड है, अनलिक्विडेटेड मतलब अनप्लान्ड, अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड है तो वो टॉट माना जाएगा। इसी को फिर विनफील्ड ने क्या बोल दिया, इसने कहा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस तो ठीक है, लेकिन अगर सिविल रॉन्ग हो या ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो, बोथ आर सेम थिंग, यस और नो? किसी बंदे ने अपनी ड्यूटी तोड़ दी तो कहता है वो भी टॉट माना जाएगा, अगर उसमें भी डैमेजेस फिक्स नहीं हुए तो। डन, याद रहेगा। और इसके बाद कहता है फ्रेजर ने बोला था इंफ्रिंजमेंट ऑफ रैम, रैम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, अगर आपका कोई राइट है और सामने वाला आपका कोई राइट तोड़ देता है
तो कहता है वो भी वो राइट जो पूरी दुनिया के सामने आपको कहता है अगर वो राइट तोड़ देता है तो वो भी टॉट माना जाएगा। एम आई क्लियर, समझ आ रही है कहानी? तो देर आर फोर डिफरेंट डेफिनेशंस। पहली सेक्शन 2 क्लॉज एम वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है सिविल रॉन्ग। इसके बाद जस्टिस सैलमन क्या बोलते हैं, सिविल रॉन्ग प्लस अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। फिर विनफील्ड क्या बोलता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्लस अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इसके बाद आता है हमारा फ्रेजर, फ्रेजर क्या बोलता है, आपका इंफ्रिंजमेंट हुआ है किसका, रैम का। रैम मतलब राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। कभी सुना है जस्ट इन रैम, राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, जस्ट इन पर्सोना, राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन। अगर पर्टिकुलर पर्सन के साथ कुछ गलत, मतलब आपका और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट था वो टूटा है तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मेरा राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड था वो किसी ने तोड़ा है तो वो क्या माना जाएगा, टॉट। समझ आ रही है बात? इन शॉर्ट अगर मैं आपसे पूछूं क्या टॉट एक सिविल रॉन्ग होता है, हाँ या ना? टॉट इज अ सिविल रॉन्ग, यस और नो? यस। पर क्या हर सिविल रॉन्ग टॉट होता है? नहीं होता। सिविल रॉन्ग प्लस अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या ये टॉट है? है। सिविल रॉन्ग प्लस लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या ये टॉट है? नहीं है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्लस लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं है। समझ आ रही है बात? क्लियर है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्लस अनलिक्विडेटेड डैमेजेस टॉट है। किसी ने मेरा पर्सोनल राइट तोड़ा है, राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन तोड़ा है, क्या ये टॉट है? नहीं है। किसी ने मेरा जस्ट इन रैम तोड़ा है तो यस ये टॉट है। एम आई क्लियर? पक्का? अब सुनिए, अब इसमें सबसे पहले देखिए, कहता है सर देर आर टू डिफरेंट, देर आर थ्री डिफरेंट एसेंशियल्स ऑफ टॉट। एक टॉट के तीन एसेंशियल्स होते हैं। पहली चीज, मैं आप पे केस करूंगा कि टॉट हुआ। आप देखो एक चीज याद रखना, जो बंदा टॉट करता है उसे हम टॉट फीजर बोलते हैं। टॉट फीजर, टॉट करने वाले को क्या बोलते हैं, टॉट फीजर, जिसमें मैं केस करूंगा। राइट, सुनिएगा बेटा मेरी बात को। सबसे पहले कह रहा है कि टॉट के लिए केस तभी कर सकते हो जब तीन एसेंशियल एलिमेंट्स है। पहला पॉइंट कहता है एक रॉन्ग एक्ट होना चाहिए। अगर कोई गलत एक्ट है तो ही वो टॉट माना जाएगा, गलत एक्ट नहीं है तो वो टॉट नहीं माना जाएगा। पहली चीज, काम गलत होना चाहिए। क्लियर है? दूसरी चीज कहता है उससे आपको नुकसान होना चाहिए, हाँ या ना? और नुकसान भी लीगली होना चाहिए। क्लियर है? पहली बात मैंने गलत काम किया, दूसरी बात उससे लीगल डैमेज हुआ, हाँ या ना? और तीसरी बात उस नुकसान का मेरे पे राइट होके मैं आप पे केस कर सकता हूं, मतलब मेरे पास लीगल रेमेडी होनी चाहिए। अगर मुझे, इधर सुनिए, अगर मुझे कोर्ट में जाने का हक नहीं है तो क्या मैं टॉट के लिए कोई केस फाइल कर सकता हूं? नहीं। तो कहता है टॉट तभी माना जाएगा जब तीन चीजें हैं, पहली बात कुछ गलत हुआ है, दूसरी चीज उस गलत की वजह से आपको कोई नुकसान हुआ है, और तीसरी चीज उस नुकसान की भरपाई के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। एम आई क्लियर? गलत हुआ है, गलत की वजह से कोई नुकसान हुआ है और नुकसान की भरपाई के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, तो ही कहता है वो टॉट माना जाएगा। तो टॉट के लिए रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, उसमें कोई डैमेज होना चाहिए, और उस डैमेज की आपकी कोई रेमेडी होनी चाहिए। एम आई क्लियर? पक्का? याद रहेगी बात? अब सुनिए, यहां पर एक प्रिंसिपल आ रहा है, इंजूरिया सिने डैमनो। बेटा मेरी बात को सुनिएगा, ये दो प्रिंसिपल्स हैं, इंजूरिया सिने डैमनो, डैमनो सिने इंजूरिया। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इंजूरिया मतलब इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट, इंजूरिया मतलब इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट, सिने मतलब विदाउट, डैमनो मतलब डैमेज, मतलब किसी ने मेरा राइट तोड़ा बिना डैमेज के। डैमेज का मतलब है यहां पर लॉस, सुनिएगा ध्यान से, इंजूरिया सिने डैमनो, यही बोल रहा हूं मैं, मतलब इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट विदाउट डैमेज। ये बात समझ आ रही है? मतलब आपने मेरा कोई राइट तोड़ा लेकिन उससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। राइट तो तोड़ा है, इंजूरिया हुआ है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुआ है, लेकिन आपने उससे मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। कहता बताइए क्या मैं केस कर सकता हूं आप पे कि नहीं, क्या ये टॉट है या नहीं है? बड़े ध्यान से सुनेगा, एशबी वर्सेज वाइट का केस हुआ था, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, सुनिए। एशबी नाम का एक वोटर था, इनकी कंट्री में इलेक्शन चल रहे थे, वोट करने गया, व्हाइट ने उसको वोट देने से रोक दिया, व्हाइट पोलिंग बूथ पे ऑफिसर था। एशबी ने कहा मैं वैलिड वोटर हूं, ये देख मेरा वोटर कार्ड। उसने कहा कुछ भी है, मैं तेरे को वोट अलाउ नहीं कर रहा। उसने मना कर दिया, एशबी ने केस फाइल कर दिया, एशबी ने केस फाइल कर दिया, ठीक है, कि माय लॉर्ड मैं वैलिड वोटर था, ये पोलिंग बूथ पे ऑफिसर था, फिर भी इसने मुझे वोट करने नहीं दिया। क्लियर है ये बात? तो इसलिए इसने वोट करने नहीं दिया, तो इसीलिए ये मेरा राइट टूटा, राइट टू वोट, तो इसलिए मैं केस कर रहा हूं, बताओ ये टॉट है और मुझे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। अब आप सुनिए, जो वाइट था, वाइट के वकील का क्या कहना था, उसके वकील का कहना था माय लॉर्ड पहली चीज क्या एक रॉन्ग एक्ट हुआ, हाँ रॉन्ग एक्ट तो हुआ, क्या रॉन्ग एक्ट हुआ कि मैंने इसको वोट नहीं करने दिया, राइट। दूसरी बात क्या इससे कोई लीगल डैमेज हुआ, उसने कहा एचबी से पूछा आप किसको वोट देने वाले थे, कहता मैं इस कैंडिडेट को वोट देने वाला था, कहता तो आपने वोट नहीं दिया, कहता नहीं, कहता जीता तो तब भी वही,
तो आपके वोट ना करने से कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, मतलब कोई लीगल डैमेज नहीं हुआ। तो फिर काय का टॉट, मतलब जो वाइट का वकील था वो उसको बचा रहा था और उसने कहा माय लॉर्ड मेरे मुवक्किल ने इनको रोका लेकिन उससे इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। कोर्ट ने बोला कि देखो भाई वो जो प्रिंसिपल है वो एक अलग चीज है, तीन चीजें, लेकिन आप बताओ अगर वो कैंडिडेट एक वोट से हार जाता तो हार सकता था ना, और आपकी बेवकूफी की वजह से एक वोट से हार जाता। तो अगर आपने सामने वाले का राइट तोड़ा है चाहे उसको कोई एक्चुअल नुकसान हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आपने तो राइट तोड़ा है, तो कहते जी इसलिए आपको तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। समझ आइए बात। प्रिंसिपल ऑफ इंजरियस सीना डैमनम एशबी वर्सेस वाइट 1703 और आयल्सबरी इलेक्शन केस। कैरेक्टर्स: मिस्टर मैथ्यू एशबी, मिसेस एशबी, मिस्टर विलियम वाइट, जज चीफ जस्टिस मिस्टर होल्ड। बोरो, लंदन। Mr. Matthew Ashby, a cobbler, talking to his wife in December 1701 on the day of British Parliament election. Dear, मैं अपना वोट डालने जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आना। Mr. Matthew Ashby at the polling booth. Hi dear, मेरा नाम Matthew Ashby है, मैं अपना वोट कास्ट करने आया हूँ। सॉरी, आई कैन नॉट अलाउ यू टू कास्ट वोट क्योंकि आप बोरो के सेटल्ड इनहैबिटेंट नहीं हो। क्या मतलब? सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो तुम यूके सिटीजन नहीं हो। लेकिन मैं, सॉरी सर, आप वापस जा सकते हैं। मिस्टर मैथ्यू एशबी एट हिज होम डिस्कसिंग द इंसिडेंट विद हिज वाइफ। यू नो व्हाट, द बूथ ऑफिसर डिड नॉट इवन अलाउ मी टू कास्ट माय वोट। वो कहता है कि मैं सिटीजन ऑफ यूके हूँ ही नहीं। लीव इट, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, उसने मेरा वोट करने का राइट तोड़ा है। आई विल सी हिम इन द कोर्ट नाउ। कोर्ट रूम, द 1st of January 1703। माय लॉर्ड, मैं सिटीजन ऑफ यूके एंड इनहैबिटेंट ऑफ बोरो आइल्सबरी हूँ। बावजूद इसके मुझे वोट नहीं करने दिया गया, मेरा राइट टू वोट इन्फ्रिंज हुआ है। माय लॉर्ड, क्या फर्क पड़ा मेरे रोकने से? माना इसका राइट, मैंने इसे एक्सरसाइज नहीं करने दिया, बट जीता तो वही कैंडिडेट है जिसे ये वोट देने जा रहा था। दो देर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट बट स्टिल देर इज नो डैमेज कॉज्ड, तो फिर केस या कॉम्पेंसेशन कैसा? नहीं वाइट, ऐसा नहीं है। When the actions of one person serve to hinder the rights of another, a cause of action may arise. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि actual damage हुआ है या नहीं। अगर किसी का right infringe हुआ है तो वो tortfeasor या infringer पर legal action ले सकता है। Mr. William White, आपको Mr. Matthew Ashby को compensation देना पड़ेगा। The court is dismissed. Yes or no? तो इससे हमें क्या पता चलता है? इंजूरिया सिने डैमनो, सामने वाले ने आपका राइट तोड़ा चाहे डैमेज हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये टॉट है और आप उस पे केस फाइल कर सकते हो और उसे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। केस का नाम एशबी वर्सेस वाइट। एम आई क्लियर? समझ आ रही है बात? पक्का? सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। अगली देखिए, डैमनो सिने इंजूरिया, मतलब डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है विदाउट इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट। आपने मेरा नुकसान किया है लेकिन आपने मेरा राइट नहीं तोड़ा। पहले आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, इधर ऑल ऑफ यू। इसमें केस है ग्लोकेस्टर ग्रामर स्कूल का, देखिए री लिखा हुआ है, री ग्लोकेस्टर ग्रामर स्कूल 1410 का केस है। री इसलिए क्योंकि एक ही पार्टी का नाम होता है तो हम री लिखते हैं, दो पार्टी का नाम होता है तो हम वर्सेस वगैरह लिखते हैं, एक पार्टी का नाम होता है बहुत पुराना केस है 600 साल पुराना केस, रिकॉर्ड्स में नाम ही नहीं है तो हम री लिखते हैं। सुनिएगा, ग्लोकेस्टर ग्रामर स्कूल स्कूल था, उसका एक इंग्लिश का टीचर था, बच्चे उसके फैन थे। उसने क्या किया, स्कूल के बाहर अपनी जमीन खरीद ली और अपने स्कूल के सामने एक नया अपना स्कूल खोल लिया, मतलब जहां पे जिसके स्कूल में वो पढ़ा रहा था उसके सामने उसने अपना स्कूल खोल लिया पर्सनल। सारे बच्चे पीछे पीछे उसके स्कूल में चले गए। जो मेन स्कूल का मालिक था उसको नुकसान हुआ होगा? नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा भाई। जब आप अच्छे टीचर हो, आपका नाम हो गया तो आपने अपना स्कूल खोल लिया और मेरे सारे बच्चे आपके साथ चले गए, ठीक है? तो ग्लोकेस्टर ग्रामर स्कूल को हैवी नुकसान हुआ, उसने उस टीचर पे केस किया। समझ आ रही है बात? उसने क्या बोला, माय लॉर्ड इसने टॉट किया है, इसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है। अब सुनिएगा कोर्ट ने क्या बोला।
कोर्ट ने कहा कि क्या आपका नुकसान हुआ है? हाँ हुआ है। कोर्ट ने कहा आपका डैमेज हुआ है, लेकिन क्या इसने कुछ गलत किया है? गलत क्या किया इसने भाई? सबको राइट टू डू बिजनेस है, वी हैव अ राइट टू डू एनी ट्रेड प्रोफेशन और बिजनेस, हाँ या ना? तो वो अगला अपना राइट एक्सरसाइज कर रहा है, आपको क्या कह रहा है? तो क्योंकि ये गलत एक्ट नहीं है, इसलिए आपके पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है। समझ आई बात? यस और नो? यार ऐसे तो हर बंदा करता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आप कहीं पर जॉब करते हो, उसके बाद आप अपना काम शुरू करते हो, तो सामने वाला मालिक केस थोड़ी करेगा आप पे, हाँ या ना? Damnum sine injuria, Gloucester Grammar School case, 1410. Characters: Teacher of Gloucester Grammar School, Principal, Dean of Gloucester Grammar School. Some dispute aroused between the management and teacher of Gloucester Grammar School. You have to follow our instructions. Sorry, I can't. Okay then, you're fired off. Kal se mat aana. Okay, sir. The fired off teacher opened his own school next to Gloucester Grammar School. The teacher was famous amongst students for his teaching, so boys from the Gloucester Grammar School left it and joined the new school. Principal of Gloucester Grammar School sued the teacher for the monetary loss caused. Courtroom. My lord, मुझे इनकी वजह से loss हुआ है. He was a teacher in my school. He opened his own school next to mine. And that too at a much cheaper fee. He is charging only 12 pence quarterly fee against our fee of 40 pence quarterly. He should be liable to pay damages to me. My lord, I had lawfully set up my school and didn't violate any legal rights of sir in doing so. Why shall I pay compensation? The students earlier studying in the Gloucester Grammar School liked the teaching style of teacher. Hence it was their choice to choose the institution to study in. Ye bachcho ki personal choice hai. We cannot compel anyone to study in Gloucester Grammar School. Moreover, aap inhe competition mein business run karne se nahi rok sakte. This court orders continuance of new school, and that too with no compensation to be paid. The court is dismissed. तो कहने का मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी इज इंजूरिया सिने डैमनो, ये डॉट होता है, डैमनो सिने इंजूरिया डॉट नहीं होता, मतलब सामने वाले ने आपका नुकसान किया। देखो एक चीज समझो, एक एरिया में चार दुकानें हैं, पांचवी दवाई की दुकानें हैं, मेडिसिन की शॉप है, पांचवी शॉप आ गई। अब पांचवी शॉप आ गई तो वो उन्हीं चारों का कोई तो एग्जिस्टिंग कस्टमर अट्रैक्ट करेगी ना, आया ना भैया? नया ऐसा तो नहीं उस एरिया में नए पॉपुलेशन आ जाएगी, पांचवा बंदा जो आया वो उन्हीं चारों में से हिस्सा खाएगा, आया ना? अब खाएगा तो चारों में से किसी का नुकसान होगा, केस थोड़ी कर दोगे आप? यस और नो? तो कहने का मतलब मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज इंजूरिया सिने डैमनो, अगर आपका राइट टूटा है, चाहे नुकसान हुआ है या नहीं, आप केस फाइल कर सकते हो, लेकिन नुकसान हुआ है पर सामने वाले ने आपका कोई राइट नहीं तोड़ा, तो वो टॉट नहीं माना जाएगा। एम आई क्लियर? पक्का? तो कहने का मतलब अगर मेरे से कोई पूछे यहां तक, तो हमें याद हुआ, देखिए पहली चीज क्या है बेटा, पहली चीज है कि सर टॉट एक लैटिन वर्ड टॉटम से आया है, ये एक फ्रेंच वर्ड होता है, इसका इंग्लिश में मतलब होता है सिविल रॉन्ग। एम आई क्लियर विद दिस? सर जब हम टॉट की बात करते हैं तो सेक्शन 2 क्लॉज एम ऑफ लिमिटेशन एक्ट में बोला गया है कि ये एक सिविल रॉन्ग होता है। सैलमन ने कहा सिविल रॉन्ग जिसमें डैमेजेस फिक्स्ड नहीं होते। इसके बाद विनफील्ड ने बोला कि ये एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी है जिसमें डैमेजेस फिक्स
नहीं होते। फ्रेजर ने बोला कि सर अगर मेरा कोई जस्टिन रेम है, मेरा कोई राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, अगर कोई उसको तोड़ता है तो वो टॉट माना जाएगा। अब इसी वाली इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो फ्रेजर वाली बात है, क्या ये फ्रेजर वाली बात इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम, राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड? आप सोचिए, क्या जो एशबी था, क्या एशबी को राइट टू वोट था? एशबी अपना वोट एक्सरसाइज कर सकता है, पूरी दुनिया को बोल सकता है कि मेरा राइट टू वोट है, हाँ या ना? और उस राइट को किसने तोड़ा? वाइट ने तोड़ा। तो इसका मतलब क्या वहां पे उसका राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड वायलेट हुआ तो वो टॉट माना जाएगा, यस और नो? तो अगर मेरा नुकसान, अगर मेरा राइट टूटा है, देखो राइट टूटा है प्लस नुकसान नहीं हुआ तो ये टॉट है, राइट टूटा है नुकसान हुआ तब तो टॉट वैसे भी है। इसका मतलब मेन क्या है, डैमेजेस या मेन है राइट टूटना? मेन है राइट टूटना, क्लियर है? अगर इंफ्रिंजमेंट हुआ है तो वो टॉट है, चाहे डैमेज हो या ना हो, लेकिन खाली डैमेज हुआ है तो वो टॉट नहीं माना जाएगा। एम आई क्लियर? जवाब दो। मतलब कोर्ट क्या देखेगा? कोर्ट देखो मेरी बात सुनना जो मैं कह रहा हूं, ओनली डैमेज, बताओ ये टॉट है? ओनली डैमेज नहीं, ओनली इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट, यस। इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट प्लस डैमेज, यस। डैमेज प्लस इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट, एक ही बात है। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मेरा राइट टूट रहा है तो फिर वो टॉट माना जाएगा, क्लियर है? इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ, और खाली नुकसान हुआ तो वो टॉट नहीं है। धन बच्चे, याद हो गया? चले आगे। अब देखिए, और केसेस के नाम क्या है, एचबी वर्सेस वाइट, और इधर कौन सा है, रीक्लोकेचर ग्रामर्स। अब देखिए यहां पर कह रहा है वाइकेरियस लाइबिलिटी, जनरली एक बंदा अपनी गलतियों के लिए लाइबल होता है, कभी कभी आप किसी और की गलती के लिए भी लाइबल होते हो, उसको बोलते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी मीन्स वन पर्सन इज लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अदर, क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ एजेंट, आया ना? मास्टर इज लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ सर्वेंट, वन पार्टनर इज लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अदर पार्टनर, आया ना? तो ये सब क्या है, वाइकेरियस लाइबिलिटी। समझ आती है ये बात? आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, कभी कभी प्रैक्टिकल की फॉर्म में भी आता है, केस स्टडी की फॉर्म में। सबसे पहले सुनिएगा, मास्टर सर्वेंट के अंदर, मास्टर सर्वेंट में देखो आपको सेंचुरी इंश्योरेंस वाला केस दिया होगा, नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 1942 दिया हुआ है, हाँ या ना? देखो प्रैक्टिकली बताता हूँ, सुनिएगा इधर ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ, देखिएगा क्या हुआ बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक पेट्रोल पंप वाली, एक पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पंप की कंपनी थी, पेट्रोल पंप की जो कंपनी होती है वहां से रोज रात को पेट्रोल आता है और सुबह वो बेचते हैं, यस और नो? जमीन से थोड़ी निकलता है, पेट्रोल पंप में बड़े बड़े कंटेनर आके पंप में पेट्रोल दे के जाते हैं, हाँ या ना? होता है ऐसा? जवाब दो। पेट्रोल पंप का जो मालिक था उसने अपनी इंश्योरेंस करवा रखी थी, ये हुआ क्या, जो कंपनी से ट्रक आया, जो कंपनी से कंटेनर आया ऑयल का, ड्राइवर लेके आया, ड्राइवर ने पेट्रोल पंप पे खड़े होकर सिगरेट जलाई, पी, जली हुई फेंक दी, ब्लास्ट हो गया, समझ आई बात? आग लग गई पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप का जो मालिक था उसने तो इंश्योरेंस करा रखी थी, इंश्योरेंस कंपनी ने उसको पैसे दे दिए, सिंपल सी बात है। पर इंश्योरेंस कंपनी ने पता लगाया कि आग लगी कैसे थी, तो इंश्योरेंस कंपनी को पता चला कि ये आग लगी थी उस ड्राइवर की नेगलिजेंस से। तो जो ट्रक ड्राइवर था वो जिस कंपनी का था, वो नॉर्दर्न आयरलैंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, वो एक बॉडी थी, उस बॉडी का ट्रक ड्राइवर था, तो जो ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी थी, इंश्योरेंस कंपनी ने उस पर केस कर दिया कि ना आपका सर्वेंट ये गलती करता और ना हमें इतनी हैवी अमाउंट पेट्रोल पंप के मालिक को देना पड़ता, यस और नो? हाँ या ना? तो इसलिए क्योंकि आपका सर्वेंट था ड्राइवर, उसकी नेग्लिजेंस थी, तो इसलिए आपको भरपाई करनी पड़ेगी, यस और नो? हाँ या ना? सिंपल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्वेंट की गलती के लिए मास्टर लाइबल माना जाएगा। आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ना कि आपके घर का सर्वेंट है, आपने उसको कैश दिया कि जाके सामान ले आ, और वो कैश की जगह उधार पे ले आया, तो शॉपकीपर जो है कल को वो सर्वेंट से पैसे मांगेगा या आपसे पैसे मांगेगा? हमसे, क्योंकि वो सर्वेंट हमारा है, वो हमसे मांगेगा, कल को हम उस सर्वेंट की सैलरी से डिडक्ट कर सकते हैं, यस और नो? इसका मतलब इन शॉर्ट, मास्टर इज लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ एजेंट या सर्वेंट, हाँ या ना? क्लियर है? जवाब दो। इसी तरीके से कहता है, प्रिंसिपल एजेंट में लॉयड वर्सेज ग्रे स्मिथ का केस हुआ था, इधर सुनेगा, ग्रे स्मिथ नाम की, सुनिए, लॉयड स्मिथ, लॉयड की बात करते हैं, लॉयड एक लेडी थी, उसकी बड़ी सारी प्रॉपर्टीज थी और वो अपनी कुछ प्रॉपर्टीज को बेचना चाह रही थी, तो आप ब्रोकर के पास जाते हो जो रियल एस्टेट एजेंट होता है, ग्रे स्मिथ एंड कंपनी एक रियल एस्टेट एजेंट थी, लॉयड नाम की लेडी उसके पास गई, ये बहुत बड़ी कंपनी फर्म थी, जब बहुत बड़ी बॉडी थी तो होता क्या, जब आप बड़ी जगह पे जाते हो ना तो वो आपको कोई एक ना एक बंदा आपके केस पे बोल देते हैं कि ये आपके अटेंडेंट है या ये आपके
मैनेजर है या आपका केस इनको असाइन किया जाता है, होता है ऐसा, आया ना? नाउ माय पॉइंट इज, सुनिए, जब लॉयड नाम की लेडी ग्रे स्मिथ के पास गई, उनकी कंपनी ने क्या किया, उनकी वो बॉडी ने क्या किया, अपने एक एजेंट को बोला कि आप लॉयड की हेल्प करोगे, मतलब आपको लॉयड का केस हैंडल किया जा रहा है, क्लियर है? अब लॉयड ने उसको बोला कि मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मैं विडो हूं, मैं ये प्रॉपर्टीज बेचना चाहती हूँ। उसने कहा, मैम देखिए, अगर आप ये प्रॉपर्टीज बेचना चाहते हो, बीइंग अ लेडी आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा, आप पहले ये प्रॉपर्टीज मेरे नाम पे ट्रांसफर करो, मैं बीइंग अ मेल इसको बेचूंगा हायर प्राइस पे, आपका प्रॉफिट होगा। वो बेचारी उसकी बातों में आ गई, उसने सारी प्रॉपर्टी लॉयड ने अपनी सारी प्रॉपर्टी क्या करा, ग्रे स्मिथ के उस एजेंट के नाम पे कर दी, और वो सारी प्रॉपर्टी बेच के पैसा लेके भाग गया। तो लॉयड ने केस किया उस फर्म पे, किस पे, ग्रे स्मिथ एंड कंपनी पे, क्लियर है बात? और उन्होंने ये कहा, हम क्या कर सकते हैं, वो चला गया। तो कोर्ट ने ये बोला कि वो आपका एजेंट था, माय लॉर्ड, लेकिन इन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर क्यों करी? उसने कहा, जी देखो, लेडी थी, वो लेडी आपके पास आई, आपकी गुडविल पे आई, हाँ या ना? और अगर आपकी गुडविल पे आई और आपका एजेंट कुछ गलत काम कर रहा है, तो उसके लिए आपको भरपाई करनी पड़ेगी। लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। आप कल्याण ज्वेलर की दुकान पे गए, कल्याण ज्वेलर पे आप गए, आपने उसको 5 लाख रुपए दिए डायमंड के सेट के। अब वहां पे जिस बंदे ने आपको डायमंड का सेट दिया, पता चला नकली है, वो नौकरी छोड़ के चला गया, तो बताओ कल्याण ज्वेलर लाइबल है कि नहीं है? है, क्योंकि हम कल्याण ज्वेलर की गुडविल पे गए, हाँ या ना? यस और नो? हम थोड़ी जानते थे उस एम्प्लॉय को, हमें तो मिलवा ही आपने था, हाँ या ना? तो मतलब प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ एजेंट। एम आई क्लियर? पक्का? इसके बाद तीसरा आता है आपका, ये तो दो हो गए, एक आता है फर्म वर्सेस पार्टनर। अब देखिए ध्यान से, फर्म और पार्टनर में क्या होता है बच्चे, ये वाली बात तो आपको सेक्शन 26 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी पढ़ाई जाती है कि एक पार्टनर की गलती के लिए दूसरा पार्टनर लाइबल माना जाएगा। एम आई क्लियर? एक पार्टनर की गलती के लिए दूसरा पार्टनर लाइबल होता ही है, डन। अब सुनिए, इसमें केस है हैमलिन वर्सेस जॉन हॉस्टन एंड कंपनी। जॉन और हॉस्टन दो पार्टनर्स थे, इनका राइवल, इनका कॉम्पिटिटर था हैमलिन, क्लियर है? जॉन ने क्या किया, एक पार्टनर ने क्या किया, सामने वाले हैमलिन के क्लर्क को रिश्वत देके डिटेल्स ले ली, सीक्रेट खुफिया इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसकी क्लाइंटेज वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। जैसे ही हैमलिन को पता चला, हैमलिन ने फर्म पे केस किया। एम आई क्लियर विद दिस? हॉस्टन कहता है, जी मेरी क्या गलती है, दूसरे पार्टनर ने रिश्वत दी, उसने गलत काम किया, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं, मेरे पे केस क्यों कर रहा है? कोर्ट ने कहा, क्यों, अगर वो मुनाफा कमाता तो दोनों में इक्वली नहीं बटता? वन पार्टनर इज लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। समझ आ रही है ये चीज, आया ना? तो ये भी वाइकेरियस लाइबिलिटी होगी ना यार, यस और नो? तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल है एजेंट की गलतियों के लिए लाइबल, लॉयड वर्सेस ग्रे स्मिथ, मास्टर है सर्वेंट की गलतियों के लिए लाइबल, नॉर्दर्न आयरलैंड वाला केस, और इसके अलावा जो पार्टनर है दूसरे पार्टनर की गलती के लिए लाइबल है हैमलिन वर्सेस जॉन हॉस्टन, डन। अब सुनिए, कहता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में बताइए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लाइबल होगा या नहीं होगा। सुनिएगा बड़े ध्यान से, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स वो होते हैं जिनको हम अपॉइंट करते हैं और बोलते हैं कि भाई आप खुद काम करो, हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। सुनिएगा जो मैं आपको कह रहा हूं, पूरी बात समझिए। सर्वेंट पे हमारा फुल कंट्रोल होता है, क्लियर है? मास्टर का फुल कंट्रोल होता है सर्वेंट पे, यस और नो? पूछती है मेड, बीबी जी शाम को क्या खाओगे, हम जो कहेंगे वही बनाएगी, यस और नो? प्रिंसिपल का एजेंट पे कुछ कंट्रोल होता है, कुछ हद तक। मान लो फॉर एग्जाम्पल, अमित वोरा लॉ क्लासेस में कोई बंदा टैक्स पढ़ाने आता है, अब वो टैक्स में क्या पढ़ाएगा क्या नहीं पढ़ाएगा मैं थोड़ी बताऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ कंट्रोल तो होगा ना मेरा कि सर कोर्स इस तारीख तक खत्म करा दो, सर ऐसे पढ़ा दो, हाँ या ना? तो कहने का मतलब प्रिंसिपल और एजेंट में थोड़ा सा कंट्रोल होता है, जबकि आप मास्टर सर्वेंट में फुल कंट्रोल होता है। एम आई क्लियर? लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में कोई कंट्रोल नहीं होता। समझ आ रही है ये बात? तो कहता है, बताओ अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने कोई गलती करी, क्या उसके लिए, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती के लिए एम्प्लॉयर लाइबल है या नहीं है? अब सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, सुनिए। कहता है डिपेंड करता है एम्प्लॉयर और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के रिलेशन कैसे है, एम्प्लॉयर और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के रिलेशन कैसे है, उनके अग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, सुनिएगा। एक बार मैंने क्या किया, एक जमीन खरीदी, बहुत साल हो गए इस बात को, जब एक लैंड एरिया खरीदा, 250 गज की एक जमीन खरीदी, उस पर घर बनाना था, घर बनाना था, हमने बिल्डर को हायर किया। जब हमने बिल्डर को हायर किया तो बिल्डर ने क्या करा, अब बिल्डर जो है सारा घर अपने आप बना के देगा, प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन पेंटर सब वो लाएगा। उसने एक बात बोली, उसने कहा सर देखिए ऐसा है, सारा घर मैं बना रहा हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, कोई भी प्लम्बर से लेके कुछ भी गलत काम होता है आप मुझे पकड़ना, इलेक्ट्रीशियन कुछ गलत काम करता है तो मैं लाइबल नहीं हूँ। ये बात उसने पहले से बोल दी, क्लियर है? अब आप सोचो, प्लम्बर कुछ गलत काम करता है तो मैं उस पर बिल्डर को पकड़ूंगा या प्लम्बर को पकड़ूंगा?
बिल्डर को पकड़ूंगा, लेकिन इलेक्ट्रीशियन कुछ गलत काम करता है तो मैं बिल्डर को पकड़ूंगा या डायरेक्टली इलेक्ट्रीशियन को? डायरेक्टली, क्योंकि उसने पहले से ही अग्रीमेंट में ये बात बोल दी थी। यस और नो? हाँ या ना? तो कहता है इसका मतलब एम्प्लॉयर और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा एक चीज और समझो, एग्जाम्पल चेंज, घर मेरा बन रहा है, क्लियर है, घर मेरा बन रहा है, मेरे घर में बिल्डर मैंने हायर किया, मैंने बिल्डर को बोला तू सारे काम करा, इलेक्ट्रीशियन मैं अपना भेजूंगा जिसने मेरा ऑफिस बनाया था 2 साल पहले, तो यहां पर मैं इलेक्ट्रीशियन अपना भेज रहा हूं। अब बताओ अगर इलेक्ट्रीशियन कुछ गलत करता है क्या वो बिल्डर लाइबल है? नहीं, क्योंकि उसने तो अपॉइंट ही नहीं किया, अपॉइंट ही मैंने किए। हाँ या ना? जवाब दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले जो 3 केसेस है, मास्टर सर्वेंट प्रिंसिपल एजेंट पार्टनर पार्टनर, इसमें तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, एक बंदा गलती करेगा दूसरा लाइबल होएगा ही होएगा, जबकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉयर में मे और मे नॉट है, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को देखा जाएगा। यस और नो? जवाब दो। कहता है देखो अगर एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया है तब तो वो लाइबल है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने अपॉइंट ही नहीं किया, क्लियर है ये बात, राइट? या आपने रिकम, या एक चीज सुनिए, एक चीज और सुनना। पहला केस, जब बिल्डर ने बोल दिया कि मैं इलेक्ट्रीशियन के लिए लाइबल नहीं हूं, तो वो होगा या नहीं? नहीं होगा। अच्छा मैंने कहा तू अपॉइंट मत कर, मैं अपॉइंट कर रहा हूं, तो फिर वो लाइबल होगा क्या? तब भी वो लाइबल नहीं होगा। हाँ या ना? बिल्डर लाइबल नहीं होगा। तीसरा केस, बिल्डर ने मुझे बोला जी देखो इलेक्ट्रीशियन मैं ला देता हूं, पर उसको रखना ना रखना आपकी मर्जी है, उसने रिकमेंड किया, फाइनल डिसीजन मैंने लिया, तब भी कुछ गलत हुआ, क्या बिल्डर लाइबल है? नहीं है, क्योंकि अपॉइंट मैंने ही किया है। आया ना? जवाब दो। इसका मतलब एम्प्लॉयर और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में केस टू केस वेरी करेगा। डन? एम आई क्लियर? जवाब दीजिए बच्चे। तो यहां तक अगर मेरे से कोई पूछे तो हम लोग को चीजें याद हो गई, सेक्शन 2 क्लॉज एम, इसके अलावा 3 लोगों का नाम बताओ, सैलमन विनफील्ड फ्रेजर, इसके बाद आगे बताओ, तीन एसेंशियल्स हैं, कौन कौन से? पहली बात, कुछ गलत होना चाहिए, आपका नुकसान होना चाहिए और लीगल रेमेडी होनी चाहिए। फिर इंजूरिया सिने डैमनो एचबी वर्सेस वाइट, डैमनो सिने इंजूरिया री ग्लोकेस्टर ग्रामर स्कूल। फिर इसके बाद विकेरियस लाइबिलिटी में 4 केस, प्रिंसिपल एजेंट मास्टर सर्वेंट एंड इसके बाद आया पार्टनर एंड पार्टनरशिप, 1 पार्टनर एंड अदर पार्टनर, और फिर लास्ट आ गया एम्प्लॉई एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। डन बच्चे? क्लियर है? चले आगे। अब देखिए, अब यहां पर कह रहा है वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, मेरी बात को बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, द वर्ड स्टेट मींस गवर्नमेंट, सरकार या सरकारी बॉडी। यहां स्टेट का मतलब वो नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पासपोर्ट डिपार्टमेंट हो, जितनी भी सरकारी बॉडीज है वो स्टेट में आती है। स्टेट की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 12 में गिवन होती है। कहां गिवन होती है? डेफिनेशन अंडर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये वाली बात आएगी। अब मैं जो कह रहा हूं पहले वो सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। कहता है सर अगर गवर्नमेंट, इधर देखिए, अगर गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉई ने कुछ गलत किया, गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर ने गलत किया कुछ, क्या उसके लिए गवर्नमेंट लाइबल है या नहीं है? ये हमारा क्वेश्चन है। हेडिंग क्या है? वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, स्टेट माने गवर्नमेंट, राइट? अब सुनिएगा ध्यान से। कहता है सर अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड की, क्योंकि इंडिया के सारे लॉज इंग्लैंड से ही आए हुए हैं, ब्रिटिशर्स तो वही है, उन्होंने हम पे 176 ईयर्स राज किया। हाँ या ना? सुनिए, कहता है अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में तो एक कानून है जिसका नाम है क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1947। कौन सा कानून है? क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1947। कहता है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट इज लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, क्लियर है? लेकिन कहता है इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है, क्लियर है? अब कहता है इंडिया में तो कानून है नहीं, तो कहता है बताओ फिर गवर्नमेंट लाइबल होगी कि नहीं होगी? कहता है हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का सोवर्न फंक्शन है या नॉन सोवर्न फंक्शन है। क्या बोला मैंने? सोवर्न फंक्शन है या नॉन सोवर्न। अगर सोवर्न है और उसके उसके एम्प्लॉई ने कुछ गलत किया तो गवर्नमेंट लाइबल नहीं है, और अगर नॉन सोवर्न फंक्शन है तो गवर्नमेंट इज लाइबल। ये चीज याद रहेगी, सोवर्न फंक्शन है तो गवर्नमेंट लाइबल नहीं है, नॉन सोवर्न है तो गवर्नमेंट लाइबल है। कहता है ये सोवर्न का फंक्शन का क्या मतलब है? कहता है सोवर्न मींस क्या, सोवरन फंक्शन, क्या वो फंक्शन गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए जरूरी है? क्या वो काम सरकार के लिए जरूरी है? अगर वो जरूरी है और सरकार की उसमें मोनोपली है फिर तो वो सोवर्निटी में आएगा, और अगर वो उसमें मोनोपली नहीं है या वो और लोग भी करते हैं अदर देन गवर्नमेंट तो वो नॉन सोवर्न फंक्शन में आएगा, क्लियर है? नॉन सोवर्न फंक्शन होगा तो गवर्नमेंट इज लाइबल, सोवर्न फंक्शन होगा तो गवर्नमेंट इज नॉट लाइबल। समझ आ रही है बात? अब सुनिए एग्जाम्पल, एक केस हुआ जिसका नाम था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज विद्यावती, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज विद्यावती 1962 का केस है। सुनना पहले हुआ क्या इसमें।
स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती में क्या हुआ, उदयपुर एक जगह है जो राजस्थान में आती है, एक हिल स्टेशन है उदयपुर हरियाणा, उसका एक कलेक्टर था, उसका जो कलेक्टर था उसको एक जीप मिली थी, सरकारी जीप, और सरकारी ड्राइवर मिला था, और उस गवर्नमेंट ड्राइवर ने क्या किया, किसी को हिट कर दिया, जिसको हिट किया उसकी डेथ हो गई। वो कौन था, वो विद्यावती का रिश्तेदार था, क्लियर है। तो विद्यावती ने क्या किया, गवर्नमेंट पे केस किया, तो केस का नाम हुआ विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, पहले ये नाम था, तो राजस्थान की गवर्नमेंट जो है वो केस हार गई। हाई कोर्ट ने बोला, राजस्थान के हाई कोर्ट ने, कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, उन्होंने कहा हम तो नहीं देंगे। फिर स्टेट ऑफ राजस्थान ने अपील फाइल करी, तो केस का नाम उल्टा हो गया, पहले केस का नाम क्या था, विद्यावती वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, बाद में क्या हो गया, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज विद्यावती, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि नहीं जी आपको पैसे देने पड़ेंगे। प्रैक्टिकली सोचो, क्या उसका जो हस्बैंड था, जो भी उसका रिलेटिव था, नाम नहीं पता, वो बुक्स में ये नहीं दिया हस्बैंड था फादर था कौन था, ये बताया कि विद्यावती का रिलेटिव था, बुक्स में रिलेटिव लिखा हुआ है, अगर जो भी रिलेटिव उसका था, अगर वो किसी प्राइवेट बंदे की गाड़ी के नीचे आता, तो क्या वो बंदा कॉम्पनसेशन देता कि नहीं देता, देता। तो अगर प्राइवेट बंदे की गाड़ी पे आता कॉम्पनसेशन देता, तो गवर्नमेंट की सरकारी गाड़ी के नीचे आया तो भी कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। लॉट ऑफ टॉट्स, वैकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती एंड अनदर 1962। कैरेक्टर्स, कलेक्टर मिसेस विद्यावती, वाइफ ऑफ डिसीज्ड जगदीश लाल, मिस्टर लोकुमल ड्राइवर, मिस्टर जगदीश लाल टीचर। उदयपुर इंडिया। On the 11th of February 1951 at about 4 p.m., Jagdish Lal was knocked down, hit by a rash and negligent driver Lokumal of collector of Udaipur. On the 14th of February 1951, example, 3 days after the accident, Mr. Jagdish Lal died. Sorry, हम इन्हीं नहीं बचा सके। Mrs. Vidyavati, widow of Jagdish Lal, claimed 25,000 rupees as damages from Lokumal and state of Rajasthan. I want damages worth 25,000 rupees for the demise of my husband. Sorry, we aren't liable to pay any amount. Vidyavati sued Lokumal and state of Rajasthan. My lord, my husband has been killed by an accident due to negligent and rash driving of collector's driver. My lord, I was on government duty. Lokumal, तुम government employ हो, but car driving isn't sovereign function of government of Rajasthan. Moreover, Jagdish Lal died as a result of the injuries which he sustained on account of the accident, so the government of Rajasthan is liable to pay 25,000 rupees to Vidyavati and her family. The court is dismissed. State of Rajasthan filed an appeal in the High Court against the order of trial court.
I do not find any reason to interfere in the order passed by trial court and therefore upholding the claim of the plaintiff holding the state liable. The court is dismissed. अब आप बताओ ड्राइवर रखना ये सवर्ण फंक्शन है नॉन सवर्ण है? नॉन सवर्ण है, बहुत सारे लोग रखते हैं, यस और नो? तो इसलिए कहता है इस केस में गवर्नमेंट लाइबल मानी जाएगी, लेकिन सवर्निटी में लाइबल नहीं होती। सुनिएगा ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल क्लास में कोई बच्चा है, उस बच्चे के अगेंस्ट किसी ने कंप्लेंट कर दी कि ये गैंगस्टर है या ये बॉम्ब प्लान कर रहा है वगैरह वगैरह। पुलिस आती है, पुलिस आपको पकड़ती है, आपको लेके जाती है, छानबीन करती है, मारती है, बुलवाती है, पता चलता है आप इनोसेंट हो, क्या पुलिस पे आप केस कर सकते हो? या पुलिस ने जो कुछ भी किया वो अपनी फर्ज में, अपनी ड्यूटी में किया, अपनी ड्यूटी में, अपने सवर्ण फंक्शन में, हाँ या ना? आप कह सकते हो मेरा कल पेपर था सीएस का, मेरे 6 महीने खराब कर दिए, पुलिस जा से रहा सॉरी बोल सकती है और कुछ नहीं कर सकती। समझ आ रही है बात? क्योंकि जो भी उन्होंने किया वो सवर्निटी में किया। एम आई क्लियर? आप गवर्नमेंट को केस फाइल कर सकते हो? नहीं कर सकते, याद रहेगा पक्का। अब मेरी बात सुनना, इसमें केस हुआ था कस्तूरी लाल रलियाराम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देखिए कस्तूरी लाल रलियाराम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है जी। 1964 में इसकी जजमेंट आई, फिर 65 में अपील की, उसकी भी जजमेंट आई, इसकी भी दो बार जजमेंट आई। सुनिएगा, कस्तूरी लाल और रलियाराम जैन ये दोनों जूलर थे अमृतसर के, अमृतसर के जूलर थे। और जब अमृतसर के जूलर थे तो ये आए मेरठ, मेरठ में आए एक गोल्ड की एग्जीबिशन में, अपना गोल्ड लेके आए, अपनी ज्वेलरी लेके आए। पुलिस वाले ने इनको रोक लिया। जब पुलिस वाले ने इनको रोक लिया तो पुलिस वाले ने जब रोका तो पुलिस ने कहा इतनी ज्वेलरी, तुम तो चोर हो। कहते नहीं हम चोर नहीं, हम ज्वेलर हैं, ये हमारी ज्वेलरी है। पुलिस वाले ने कहा चेक करके बताऊंगा, फिलहाल तुम अभी अंदर बैठो लॉकअप में। लॉकअप में बिठाया, तलाशी वलाशी करी, छानबीन करी, एक दिन रात उनको वहीं पे रखा। अगले दिन पुलिस आई, कांस्टेबल आया, मतलब कांस्टेबल का सीनियर आया जो इंस्पेक्टर था, दो स्टार वाला सब इंस्पेक्टर, वो आया। उसने बोला कि सर हमने पता कर लिया है, हमने अमृतसर में चेक करवाया अपनी पुलिस से, आप वाकई में ज्वेलर हो, पकड़ो अपनी ज्वेलरी वापस, सॉरी हमारी ड्यूटी थी छानबीन करना, राइट। वो जो जब उसको ज्वेलरी वापस की तो पता चला सिल्वर वापस कर दिया, गोल्ड किया ही नहीं, चांदी दे दिया, सोना दिया ही नहीं। उसने कहा जी हमारी तो सोने की भी थी बड़ी सारी ज्वेलरी। कहते हमें तो नहीं पता। जब पूछा, पता किया, आपको कल किसने पकड़ा था? कहता इस कांस्टेबल ने पकड़ा था। उस कांस्टेबल के बारे में पता किया तो वो बावजूद ही जस्ट फ्लेड टू पाकिस्तान, सारा गोल्ड लेके पाकिस्तान चला गया वो। इन शॉर्ट लग गई उन ज्वेलर्स की, ज्वेलर्स ने गवर्नमेंट पे केस फाइल किया, गवर्नमेंट ने कहा सॉरी हम लाइबल नहीं। क्यों लाइबल नहीं है? कोर्ट ने क्या बोला? क्योंकि ये सवर्ण फंक्शन है, हाँ या ना? वैसे लॉजिकली सोचो, गलत हुआ नहीं हुआ उनके साथ? सरकारी अफसर ने गलत किया, हाँ या ना? वैसे देखा जाए तो पैसे मिलना चाहिए, लेकिन इंडिया में कानून तो है नहीं, इंडिया में सिर्फ क्या देखते हैं? सोवर्निटी। और पुलिस जो है वो सोवर्निटी, सवर्ण फंक्शन में आ रहा था, इसलिए गवर्नमेंट लाइबल नहीं। हालांकि इस जजमेंट को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैं भी बोलता हूँ कि जजमेंट गलत है, हाँ या ना? The vicarious liabilities of state under law of torts. Kasturi Lal and Ralia Ram Jain versus State of UP, 1964. Both jewelers of Amritsar in Meerut to attend gold exhibition and detained by constable. Stop. We have to check your bag. आपके पास इतना सोना कहां से आया? We have to investigate this. You are under arrest. The next day, they were released after police investigation and jewelry was returned to them. ऑफिसर ये हमारी ज्वेलरी नहीं है, हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ज्वेलरी थी, लेकिन ये तो सिर्फ सिल्वर है। आर यू श्योर? वी हैव ओनली दिस ज्वेलरी। आपको किसने अरेस्ट किया था? सर हेड कांस्टेबल ने। ओके लेट मी चेक। After a few hours, I'm sorry to inform you, head constable आपका सारा सोना लेके पाकिस्तान भाग गया। Both sued state of UP.
courtroom. Police is sovereign function of state. Hence, state is not vicariously liable for the wrongful act of its police constable. Judgment debtors filed an appeal to the Supreme Court of India, but Supreme Court also confirmed the judgment of Allahabad High Court and appellant lost the appeal. For no, clear hai sabko? To agar humse koi puche vicarious liability of state, to main kya bolunga? England mein kaun sa law hai? Crown Proceedings Act 1947. India mein kya scene hai? Sovereignty dekhi jati hai. Sovereign function hai to government liable nahi hai. Sovereign function nahi hai to government liable hai. Done bache? Clear hai? कहता है सर ये बताइए कितने तरीके के टॉर्ट्स होते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉर्ट्स? सुनिएगा बेटा, देयर आर 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉर्ट्स. एक होता है सबसे पहले बैटरी, दूसरा होता है असॉल्ट. पहला होता है बैटरी, दूसरा होता है असॉल्ट. सर ये बैटरी और असॉल्ट क्या होता है सुनिएगा ध्यान से. आपने किसी को बोला तू चला जा यार, खामा का दिमाग ना खा, ऐसी थप्पड़ वप्पड़ मार दूंगा तेरे, ये क्या है? असॉल्ट. ये क्या है? असॉल्ट. और आपने मार दिया, ये क्या है? बैटरी. समझ आ रही है बात? आपने किसी पे अपना फिजिकल फोर्स डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, वो क्या है? बैटरी. किया नहीं, उससे वन स्टेज प्रायर है, वो क्या है? असॉल्ट. इन शॉर्ट, दो लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, मैंने एक को थप्पड़ मारा, दूसरा डर के दूर हो गया, तो मैंने पहले को थप्पड़ मारा, उसके साथ क्या किया? बैटरी. दूसरा वाले को लगा मेरा नंबर है, ये क्या है? असॉल्ट. समझ आ रही है? वन स्टेज प्रायर टू बैटरी इज असॉल्ट. थप्पड़ दिखाना क्या है? असॉल्ट. मार देना क्या है? बैटरी. क्लियर है ये बात? एक चीज याद रखिएगा, बैटरी में क्या बोलता है? डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्स. सुनिएगा ध्यान से, इसमें केस हुआ स्टैनले वर्सेस पावल. देखो लिखा हुआ है स्टैनले वर्सेस पावल का केस, लिखा 1891. इस केस में क्या हुआ था, एक शूटिंग पार्टी चल रही थी. शूटिंग पार्टी देखिए, वो नहीं होता, वो बॉटल्स रखी होती है और लोग खेल रहे होते हैं, गोलियां मार रहे होते हैं, हाँ या ना? क्लियर है? पावल की टर्न थी, जो पावल था वो गोली मार रहा था. हुआ क्या, उसने जब शूट किया तो गन जिस बॉटल पे लगनी थी उसकी जगह पेड़ पे लग गई, और पेड़ की जो टहनी थी वहां से गोली लग के लग गई स्टैनले को. समझ आ रही है बात? वहां से गोली टकराई, टकरा के किसको लग गई? स्टैनले को. क्लियर है बात? स्टैनले ने बोला जी ये मेरे साथ टॉट है और मेरे को पैसे मिलने चाहिए, मेरा नुकसान हुआ है, मेरे को चोट लगी है, हाँ या ना? लेकिन कोर्ट ने बोला कि जी आप एक बार बताओ, आप लोग सब खेल रहे थे राइट? उसने कहा क्यों दे पैसे? कहता क्योंकि माय लॉर्ड ये बैटरी है. उसने ऐसा तो है नहीं कि मुझे लगी नहीं, अगर वन स्टेज प्रायर होता तो क्या होता? असॉल्ट. लेकिन यहां तो मुझे लग गई. कोर्ट ने कहा मान लिया तेरे को लग गई, पर बताइए डायरेक्ट एप्लीकेशन है इनडायरेक्ट है? क्या उसने गोली तेरे को मारी या घूम के आई? तो उसके कोई इंटेंशन भी नहीं थी ऐसी, और वैसे भी ये इनडायरेक्ट है तो ये बैटरी नहीं माना जाएगा. समझ आई है बात? यस ऑर नो? और फाइनली वो केस हार गया. लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ सालों के बाद एक नया टॉट आया जिसका नाम था बॉडिली हार्म. क्या आया? बॉडिली हार्म. क्लियर है बात? और बॉडिली हार्म जो आया उसमें ये बोला गया कि भाई चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, लेकिन सामने वाले को अगर चोट लगी है तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे. लेकिन बॉडीली हार्म ये जो आया, देखिए ये उस टाइम पर था नहीं. बॉडीली हार्म अभी 90s लास्ट में ये नया टॉट डिस्कवर हुआ है. इसका मतलब पहले 5 तरीके के टॉट होते थे, ये नहीं होता था. तो मतलब अगर उस टाइम पर ये होता तो स्टैनले जो होता वो बैटरी की जगह बॉडीली हार्म में डालता तो वो केस जीत जाता. एम आई क्लियर? समझ आई कहानी? पक्का याद रहेगा सबको? तो मैंने अभी बताया एक बैटरी, एक बताया असॉल्ट, और एक बताया बॉडीली हार्म जो अभी आया. ठीक है, इसके बाद ना सुनिए, दो होते हैं, एक होता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, एक होता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. क्या होता है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. सर ये दोनों क्या होते हैं सुनिए, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन दोनों ही टॉट्स है. दोनों में जिसने आपके साथ टॉट किया, जो टॉट फीजर है, आप उस पर केस कर सकते हो 1 साल के अंदर अंदर. याद रखिएगा लिमिटेशन पीरियड है केस फाइल करने का. कितना लिमिटेशन पीरियड है? 1 ईयर. क्लियर है? मतलब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हुआ या मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हुआ तो आप दोनों ही केसेस में सामने वाले पे 1 साल में केस फाइल कर सकते हो. सर ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को रॉन्ग कन्फाइनमेंट भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? रॉन्ग कन्फाइनमेंट. इसका मतलब ये कि किसी ने जबरन आपको अपने कब्जे में कर लिया. यार बड़ी सिंपल सी बात है, कोर्ट को लॉ जो है कोर्ट उसको राइट है आपको जेल में डाल लेगा, हाँ या ना? किसी और ने जबरदस्ती आपको कैद करके रख दिया तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, और जैसे ही आप वहां से निकले वहां से 1 साल में आप उसके अंदर उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो. एम आई क्लियर? यस ऑर नो? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मैं आपको बता दूं, ये टॉट भी होता है और क्राइम भी होता है. ये आप पढ़ोगे अगर IPC 1860 तो उसमें ये क्राइम भी माना
जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टॉट और क्राइम दोनों में आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ टॉट है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो सिर्फ क्राइम है। याद रहेगी ये बात। अगर देखो सुनो, इधर देखिए, अगर गलती से ये प्रोजेक्टर नीचे गिर गया और आपको चोट लग गई तो ये टॉट है, मैंने जानबूझ के नट खोला था और आपको मारने की कोशिश की तो क्राइम है। तो क्राइम और टॉट में फ़र्क क्या है? सिर्फ इंटेंशन का। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर इंटेंशन नहीं भी थी और सामने वाले को चोट लग गई है तो ये टॉट है, और इंटेंशन थी फिर तो ये क्राइम है। हाँ या ना? याद रहेगा। और इंटेंशन को, गिल्ट इंटेंशन को लॉ में क्या बोलते हैं? मेंस रिया। सुना कभी? गिल्ट इंटेंशन को लॉ में क्या बोलते हैं? मेंस रिया। राइट, क्लियर है? अब सुनिए ध्यान से, यहां पर मैं क्या बोल रहा था। बैटरी हो गया, असॉल्ट हो गया, फॉल्स इंप्रिजनमेंट मतलब किसी ने आपको कब्जे में कर दिया, नजर बंद कर दिया। राइट, एक होता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब होता है झूठा केस। मैलिशियस मतलब मैलाफाइड, गलत इंटेंशन। प्रोसिक्यूशन मतलब केस। अगर किसी ने आप में झूठा केस फाइल किया और ये प्रूव हो जाए कि वो केस झूठा है, आप इनोसेंट प्रूव हो जाओ, तो आप उसके बाद उस बंदे पे केस फाइल कर सकते हो। क्लियर है ये बात? याद रखा, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टॉट। आप किसी भी बंदे पे झूठा केस फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने कभी वो मूवी देखी हो, एक मूवी आई थी एतराज, एतराज में प्रियंका चोपड़ा जो है वो झूठा रेप का केस डाल देती है अक्षय कुमार पे, बाद में ये प्रूव हो जाता है अक्षय कुमार इनोसेंट है। वहां पर कोर्ट पता है क्या बोलता है? अगर ये चाहे, इनको बाइज्जत बरी किया जाता है, अगर ये चाहे तो 6 महीने में केस फाइल कर सकते हैं प्रियंका चोपड़ा पे। लेकिन वहां 6 महीने नहीं, 1 साल होना चाहिए। वो जज गलत बोलता है मूवी में, एक्चुअली में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए टाइम कितना है? 1 ईयर है। क्लियर है? आई रिपीट, फॉल्स इंप्रिजनमेंट के लिए 1 ईयर है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए 1 ईयर है। डन। इसके बाद एक आता है नर्वस शॉक। नर्वस शॉक भी पहले नहीं होता था, अभी नया नया टॉट है, ये भी 15-20 साल पहले आया है। अगर आप किसी को मेंटल एगनी दे रहे हो, अगर आप किसी को टॉर्चर कर रहे हो, अगर आप किसी को इमोशनल अत्याचार कर रहे हो, तो वो भी टॉट माना जाएगा। आपकी वजह से कोई बंदा खौफ में है, आपकी वजह से कोई बंदा जी नहीं पा रहा, आपकी वजह से बेचारे को सुकून नहीं है, तो कहता है वो भी टॉट माना जाएगा। समझ आ रही है ये बात? यस और नो? यार बात बड़ी सिंपल सी है, मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ कि आप रोज, आप एक लड़की हो और आप रोज ऑफिस जाते हो अपने घर से पैदल, रोज आप वॉक करते हुए जाते हो, आप 3 दिन से देख रहे हो कोई लड़का आपको फॉलो कर रहा है, वो आपको कुछ नहीं कह रहा, बात भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं, बस वो फॉलो कर रहा है, घबरा जाओगे नहीं घबराओगे? हाँ या ना? क्या ये टॉट है? बिल्कुल टॉट है। क्यों? क्योंकि उसने तो चाहे हाथ भी नहीं लगाया, कुछ बोला भी नहीं, पर आप उसकी वजह से मेंटली प्रेशर में आ गए। यस ऑर नो? तो अगर कोई बंदा मेंटली आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो वो भी टॉट माना जाएगा। क्लियर है बच्चे ये बात? डन। और इसके बाद आगे कहता है आपका डेफेमेशन। डेफेमेशन का मतलब होता है मान हानि। फेम मतलब गुडविल, डिग्रेड करना आपकी फेम को, डिग्रेड करना आपकी गुडविल को, दैट इज डेफेमेशन। डेफेमेशन ना 3 तरीके की होती है। डेफेमेशन समझ गए? मान हानि। किसी ने आपके अगेंस्ट कोई झूठी कंप्लेंट कर दी, किसी ने आपके अगेंस्ट कोई झूठी बात बोल दी, तो ये क्या है? मान हानि। हाँ या ना? आपने कई बार सुना होगा, बीच में न्यूज आई थी कि अरविंद केजरीवाल साहब कुछ भी बोल देते थे किसी के अगेंस्ट, हर जगह पे मोदी 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 बोलते रहते हैं। एक बार उन्होंने अरुण जेटली को पकड़ लिया, कुछ बोल दिया उसके अगेंस्ट, अरुण जेटली ने 4 करोड़ का डेफेमेशन का केस फाइल कर दिया। पता आपको कि भाई तुमने मेरे बारे में बिना प्रूफ के, देखो अगर तो मैं गलत हूँ और आप मेरे बारे में ये बता रहे हो लोगों को कि मैं गलत हूँ और आपके पास प्रूफ है उस चीज़ के, फिर तो वो डेफेमेशन नहीं है। पर आपके पास कोई प्रूफ नहीं और आप ऐसी बोली जा रहे हो मैं गलत हूँ जबकि मैं नहीं हूँ, तो ये डेफेमेशन माना जाएगा। डेफेमेशन 3 तरीके का होता है, लिबल, स्लैंडर, इनियंडो। कौन कौन सा? लिबल, स्लैंडर, इनियंडो। लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो आईपीसी है, आईपीसी 2 ही मानता है, लिबल एंड स्लैंडर। इनियंडो आप कहीं नहीं पढ़ोगे। सुनिएगा, लिबल होता है आपने किसी को रिटन वर्ड्स के थ्रू कुछ गलत बोला, रिटन। स्लैंडर होता है स्पोकन वर्ड्स के थ्रू गलत बोला या बॉडी जेस्टर्स के थ्रू। रिटन बोला तो लिबल, और अगर स्पोकन या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू स्लैंडर, और अगर सेकेंडरी मीनिंग से इनडायरेक्टली किसी को गलत बोला तो इनियंडो। क्लियर है ये बात? याद रहेगा सबको? सुनिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रिटन वर्ड से गलत बोला तो, कोई आर्टिकल वगैरह गलत छाप दिया तो लीगल, लिबल। आपने कुछ बोला बोल के या बॉडी जेस्चर के थ्रू गलत किया तो स्लैंडर, इनडायरेक्टली बोला तो इनियंडो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, थोड़े दिन पहले मोदी साहब बंगाल गए, वहाँ पर स्पीच दे रहे थे, बोले कि मैं चाहता हूँ बंगाल तरक्की करे, लेकिन एक स्पीड ब्रेकर है बंगाल में, और उस स्पीड ब्रेकर का नाम है दीदी। ये बात उन्होंने बोली, कितने लोगों ने ये सुना था, ऐसा कुछ न्यूज़ में सुना था, तो उन्होंने कहा स्पीड ब्रेकर में स्पीड ब्रेकर है जिसका नाम है दीदी। इन शॉर्ट वो ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं। क्या उन्होंने डायरेक्टली बोला, नाम लिया या इनडायरेक्टली बोला? तो ये कहाँ पे आ जाएगा? इनियंडो में आ जाएगा। समझ आ गई ये बात? यस और नो? एम आई क्लियर? किसी ने पूछा आमिर खान से व्हाट इज द नेम ऑफ योर पेट, उसने बोला या व्हाट डू यू थिंक अबाउट शाहरुख, किसी ने पूछा उससे व्हाट डू यू थिंक अबाउट
शाहरुख। उसने कहा शाहरुख ही इज माय पेट, ही लिक माय फीट एवरी डे। और उसने आवाज़ मारी, शाहरुख एक कुत्ता आ गया भागते हुए, उसके पैर चाटने लगा, कहता देखो ये शाहरुख है। अब मीडिया ने कुत्ते के बारे में पूछा था या शाहरुख खान के बारे में, पर उसने इनडायरेक्टली उसकी इंसल्ट करी, तो कहता है ये इनियंडो माना जाएगा। एम आई क्लियर? पक्का? तो इसका मतलब मेरे से कोई पूछे कितने तरीके के टॉर्च्स हैं तो मैं क्या बोलूँगा, देर आर 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉर्च। पहला बैटरी, स्टैनले वर्सेज पावल का केस है 1891, दूसरा असॉल्ट, तीसरा इसके बाद आता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का एक नाम रॉन्ग कन्फाइनमेंट भी होता है। क्या होता है? रॉन्ग कन्फाइनमेंट, याद रहेगा। इसके अलावा डेफेमेशन, लिबल और स्लैंडर आपको याद रखना है। याद रखो, बच्चा ना कन्फ्यूज हो जाता है रिटन कौन सा है और स्पोकन कौन सा है। याद रखो एस से स्लैंडर, एस से स्पोकन, और जो बच गया एल वाला वो क्या है? रिटन है। सिंपल सी बात है, मेन तो दो ही है, एक रिटन है और एक ओरल है, स्पोकन है। स्पोकन स्लैंडर एस से है, स्पोकन भी एस से है, और जो लिबल है वो रिटन है। क्लियर है ये बात? डन। इसके अलावा हो गया बॉडीली हार्म और नर्वस शॉक, ये नए हैं, ये पहले नहीं हुए थे। डन, क्लियर है बच्चे? चले आगे, एनी डाउट इन दिस? नो डाउट। अब देखिए, अब यहां पर ना ये दो रूल्स आते हैं, एक का नाम है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एक का नाम है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। बेटा मेरी बात को बहुत बहुत ध्यान से सुनेगा, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। सर रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या बोलता है सुनिए, कहता है जब सामने वाले की लाइबिलिटी है विद सर्टेन एक्सेप्शंस, मतलब जहां पर वो लाइबल नहीं होगा, अगर आपकी लाइबिलिटी है विद एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जहां आप लाइबल नहीं होंगे उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। लेकिन जब आपकी लाइबिलिटी है और विदाउट एनी एक्सेप्शन है उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। याद रहेगी, सुनिए, जज साहब ने या किसी लॉ में लिखा है सामने वाला बंदा लाइबल है लेकिन इन केसेस में लाइबल नहीं होगा, तो ये लाइबिलिटी कौन सी है? स्ट्रिक्ट। सामने वाला बंदा एब्सोल्यूटली लाइबल है, एब्सोल्यूटली मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्लियर है ये बात? याद रहेगा, सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। पहले रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी चलता था, अब रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी चलता है। सर क्या कहना चाहते हो सुनिए, एक केस हुआ रेलेंस वर्सेस फ्लेचर। क्या केस हुआ? रेलेंस वर्सेस फ्लेचर 1868 का केस है। मैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं, बेटा सुनिएगा, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं, या आप ऐसे समझो अभी केस की बात छोड़ते हैं, सुनिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां आप बच सकते हो वो क्या है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। जहां कोई एक्सेप्शन नहीं है वो क्या है? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब होता है लाइबिलिटी विद नो फॉल्ट बेसिस। क्या होता है? लाइबिलिटी विद नो फॉल्ट बेसिस, कि आपका कोई फॉल्ट नहीं माना जाएगा। क्लियर है? या आपका फॉल्ट नहीं भी है इवन देन आप लाइबल माने जाओगे। मैं जज साहब को बोल रहा हूं, जज साहब मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, जज साहब कहते बेटा वो तो हम ढूंढ ही नहीं रहे, फॉल्ट हो या ना हो तब भी तू लाइबल है, इसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, प्रोजेक्टर आपके ऊपर गिर गया, प्रोजेक्टर आपके ऊपर गिरा, पढ़ाते हुए आपको चोट लग गई, क्या मेरी गलती है? क्या मेरा फॉल्ट है? नहीं। क्या मैंने नट खोल के रखा था? नहीं। इवन देन मैं लाइबल हूं क्या? नहीं हूं, बिल्कुल हूं। हाँ या ना? इसका मतलब ये कौन सी लाइबिलिटी है? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। क्लियर है? पक्का? लेकिन अगर हम बात करते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मतलब देर आर सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस। सुनिएगा, वक्त बदल रहा है, पूरी बात सुनना बेटा। रेलेंस वर्सेस फ्लेचर का एक केस हुआ, रेलेंस वर्सेस फ्लेचर। क्या हुआ इस केस के अंदर पहले समझते हैं, सुनिएगा। रेलेंस वर्सेस फ्लेचर के केस में क्या हुआ? एक बंदा था, उसका नाम था रेलेंस। उसकी एक रेलेंस जो है उसकी अपनी एक कोल माइन थी, कोयले की खान थी, ठीक है। फ्लेचर उसका पड़ोसी था, उसकी एक मिल थी, उसकी एक फैक्ट्री थी। फ्लेचर की जो मिल थी उसमें पानी की सप्लाई की दिक्कत थी, तो फ्लेचर ने रेलेंस को बोला कि यार पानी की दिक्कत है तो मैं अपनी पानी की पाइपलाइन ठीक करा लूँ। उसने कहा करा ले। कहता लेकिन उसके लिए ना जो इंजीनियर वगैरह आएंगे वो तेरी खान में भी जाएंगे, तेरी कोल माइन में भी जाएंगे। कह रहा है जो मर्जी करो करना है, लेकिन पानी नहीं आना चाहिए मेरी खान में, पानी आ गया तो कोयला खराब हो जाएगा सारा। क्लियर है? तो यहाँ पर उसने प्रायर कंसेंट ली और उसने अपनी कंसेंट दे भी दी। किस किस चीज़ के लिए दी? कि तुम करो लेकिन मेरे में पानी नहीं आना चाहिए, तुम्हारी जितनी बार भी आना जाना आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री करनी है करो लेकिन पानी नहीं आना चाहिए। फिर भी पानी आ गया, पानी आ गया तो उसके बाद रेलेंस कहता मैंने तेरे को कहा था नुकसान हो गया मेरा, चला मेरे को पैसे दे। फ्लेचर कहता काई के पैसे, मैंने तो तेरे से पूछ के किया था, अगर तेरे को इतनी दिक्कत है तो ना देता तू परमिशन। अब बात चली गई कोर्ट में, जज साहब ने बोला कि देखो जी देर आर 5 केसेस, अगर इन 5 केसेस में, अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्या फ्लेचर रेलेंस को पैसे देगा या नहीं देगा, यही क्वेश्चन आ रहा है ना। क्या फ्लेचर जिसकी मिल थी उसकी वजह से पानी गया
मेरी कोल माइन में, क्या वो पैसे देगा या नहीं? आप बताओ देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? जज साहब ने क्या करा, यहाँ पे 5 केसेस बताए। जज साहब ने कहा अगर इन 5 एक्सेप्शनल केसेस में फ्लेचर फॉल कर जाता है तो वो पैसे नहीं देगा, वरना देगा। वो 5 केसेस क्या थे देखो। पहली बात इधर देखिए, आपने प्लेंटिफ की कंसेंट ली थी, बताओ क्या उसने कंसेंट ली थी रेलेंट की? हाँ या ना? ली थी, लेकिन उसने कंसेंट देते हुए एक बात बोल दी थी कि पानी नहीं आना चाहिए। पहली बात क्लियर है, उसने कंडीशनल कंसेंट दी या एब्सोल्यूट दी? कंडीशनल कंसेंट। दूसरी बात, प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट, क्या रेलेंट की कोई गलती थी इसमें? नहीं। तो ये 2 केसेस में नहीं आ रहा फ्लेचर, मतलब वो कह रहा माय लॉर्ड मैंने पूछा था, वो कहता हाँ माय लॉर्ड इसने पूछा था लेकिन मैंने कहा था पानी नहीं आना चाहिए, तो मैंने इसे कंसेंट कंडीशनल दी थी। दूसरी बात, मेरी खुद की कोई गलती नहीं है। इसका मतलब क्या, प्लेंटिफ ऑन डिफॉल्ट, सुनिए, मेरा घर है, मेरे घर में एक कुत्ता है और मैंने लिखा हुआ है बिवेयर ऑफ डॉग। आप बाहर क्रिकेट खेल रहे हो, आपकी बॉल अंदर आई मेरे घर में, आप बॉल लेने आए, कुत्ते ने काट लिया, यहाँ गलती मेरी है या आपकी है? आपकी गलती है कि आप घर के अंदर आए क्यों? यस ऑर नो? मेरा तो कुत्ता है, मैंने उसे रखा हुआ है, आया ना, लेकिन यहाँ पर मेरे कुत्ते ने बाहर काटा या आप मेरे प्रिमाइस में आए? आप मेरे प्रिमाइस में आए, वो भी चोरों की तरह बॉल लेने के लिए, तो गलती तो आपके बच्चे की है। यहाँ पर बताओ, जिसका कुत्ता है क्या वो लाइबल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आने वाले की गलती है। समझ आ रही है ये बात? यस और नो? लेकिन अगर हम अभी बात करते हैं, अब अगर हम बात करते हैं रेलेंट के केस में, पहली बात क्या रेलेंट ने कंसेंट दी थी? दी थी, लेकिन पानी के क्वेश्चन के साथ दी थी। क्या यहाँ पर रेलेंट की कोई गलती थी? नहीं थी। क्या यहाँ पर वेस्ट मेजोर, वेस्ट मेजोर मतलब एक्ट ऑफ गॉड, अब क्या वो कास्ट कह सकता कि माय लॉर्ड ये तो भगवान की मर्जी है, भगवान की क्या मर्जी है, तेरे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने नेग्लिजेंस दिखाई, हाँ या ना? यहाँ पर भगवान की गलती कहाँ से आ गई? यस ऑर नो? भगवान ये तो कुदरत है, कुदरत तो है नहीं ये तो आपके, अब देखो ना एक चीज सोच के देखो, आपके घर में चूहे हैं और उसके बाद वो सारा राशन खराब, मैं आपने किसी वेयर हाउस में माल रखा, किसी गोडाउन में आपने माल रखा, ठीक है, वेयर हाउस में चूहे थे, आपका माल खराब हो गया, अब वो बोले ये तो कुदरत की मर्जी, कुदरत की मर्जी या तेरी नेग्लिजेंस, वेयर हाउस ओनर की नेग्लिजेंस, आया ना, कि वहां पर चूहे थे, यस ऑर नो? तो वो लाइबल माना जाएगा। समझ आ रही है बात? तो पहली चीज कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, दूसरी चीज प्लेंटिफ का डिफॉल्ट, तीसरी वेस्ट मेजोर एक्ट ऑफ गॉड। क्या इन तीनों में बताओ कवर हो रहा था फ्लेचर? नहीं, ना तो वो एक्ट ऑफ गॉड था, ना उसने कंसेंट ली थी, और ना ही सामने वाले की कोई गलती थी, आया ना? जवाब दो, क्योंकि कंसेंट सिर्फ किस चीज के लिए ली थी? कंसेंट ली थी आने जाने के लिए, और उसने वो भी कंडीशनल कंसेंट दी थी कि भाई पानी नहीं आना चाहिए। आगे देखो, थर्ड पार्टी एक्ट, जो हायर, इधर सुनिए, जो हायर किए थे उसने कौन, वो जो इंजीनियर, क्या वो उसके एजेंट या इंप्लॉयज हुए? हाँ या ना हुए? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं थे, इसलिए कौन लाइबल माना जाएगा? फ्लेचर। अगर उसने पहले से जिन इंजीनियर्स को हायर किया उनको बोला होता अगर कुछ गलत होगा तो तुम्हारी भरपाई होगी, तो फिर रेलेंट किस पे केस करता? उन इंजीनियर्स पे। यस ऑर नो? यहां पर तो ऐसा भी नहीं हुआ। कहता एक्ट इन अथॉरिटी, हमने जो कुछ किया सरकारी अथॉरिटी में किया, यहां पे क्या गवर्नमेंट ने बोला था कुछ करने के लिए? अगर गवर्नमेंट ने बोला होता तो बात अलग होती, राइट? क्लियर है? और लास्ट में कहता है नेचुरल यूज ऑफ लैंड। अब मेरी बात सुनिएगा बेटा, इधर दो लोग हैं, दो लोगों की जमीन है, खेत है, दोनों के आस बिल्कुल साथ साथ एडजेसेंट है, जुड़े हुए हैं। मेरी जमीन बहुत फर्टाइल है, आपकी जमीन जो है वो बंजर है, मेरी जमीन आपकी जमीन के भी मिनरल्स ले लेती है, लेकिन अभी मैं जानबूझ के कर रहा हूं या नेचुरल हो रहा है, तो क्या आप मेरे पे केस कर दोगे? इसकी जमीन सारे न्यूट्रिएंट्स लेती है, इस वजह से मेरी जमीन बंजर है, क्या केस कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई, अपनी अपनी किस्मत है। समझ आ रही है बात? आया ना? तो कहने का मतलब ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, अगर इन एक्सेप्शनल केसेस में फ्लेचर लैंड कर जाता तो वो लाइबल नहीं माना जाता, लेकिन फ्लेचर में से कहीं लैंड नहीं किया इसलिए वो लाइबल माना। यस और नो? याद रहेगा कौन कौन से केसेस हैं? पहला कौन सा हो गया? आपने उसकी कंसेंट ली, दूसरा उसका कोई डिफॉल्ट हो, तीसरा वेस्ट मेजोर, चौथा एक्ट इन अथॉरिटी, पांचवा थर्ड पार्टी की गलती, और छठा नेचुरल यूज ऑफ लैंड। एम आई क्लियर? पक्का? लेकिन बाद में आया एक एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का केस, सुनिएगा, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक फैक्ट्री थी श्रीराम फर्टिलाइजर, एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था श्रीराम फर्टिलाइजर। श्रीराम फर्टिलाइजर्स में क्या हुआ, ओलियम गैस होती थी, ओलियम गैस लीक हो गई, उसकी वजह से एम्प्लॉयज तो मरे ही मरे, साथ में जो आसपास के लोग थे उनकी भी डेथ हो गई। अब एम्प्लॉयर कहता है माय लॉर्ड मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपनी फैक्ट्री में अच्छे पाइप लगा रखे हैं, और गवर्नमेंट का इंस्पेक्टर आता है, वो भी 10 दिन पहले ओके करके गया है कि अब अगली इंस्पेक्शन 6 महीने में होगी,
तो मतलब मेरे जो पाइप है वो गुड कंडीशन में थे। तो माय लॉर्ड ये तो सब कुछ सही था, फिर भी लीक हो गया, तो ये कुदरत की मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कुदरत की मर्जी कुछ भी नहीं होता। उसने कहा नहीं माय लॉर्ड, होता है। रेलेंस वर्सेस फ्लेचर में जज साहब ने एक्सेप्शन बताई थी, तो इस केस में जज ने बोला रेलेंस वर्सेस फ्लेचर 119 साल पुराना केस है, 1868 का था, अब हम 1987 में जी रहे हैं, 119 साल पुराना प्रिंसिपल अभी एप्लीकेबल नहीं होता, अभी नो फॉल्ट बेसिस है, चाहे आपकी फॉल्ट है या नहीं है, आप लाइबल माने जाओगे। एम आई क्लियर? समझ आई? तो मतलब लाइबिलिटी ऑन फॉल्ट बेसिस वॉज स्ट्रिक्ट, लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट बेसिस इज एब्सोल्यूट। यस और नो? हाँ या ना? या आई कैन से कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अब एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो चुकी है। क्लियर है? अब इसका मतलब समझ रहे हो, आज के टाइम में अगर मेरा बच्चा अंदर जाता है आपके घर की ओर, वहां कुत्ता काट लेता है, तब भी आपकी लाइबल माने जाओगे, चाहे मेरा बेटा बिना बताए गया था, बॉल लेने गया था, क्यों मान बताओगे? क्योंकि अब कोई एक्सेप्शन नहीं है। यस और नो? यार आप प्रैक्टिकली सोचो, आपने कुत्ता रखा हुआ है, मान लिया आपने कुत्ता काटने के लिए थोड़ी रखा हुआ है, जो आएगा उसको काट थोड़ी देगा, भौके काम है ना उसका, भाग करे, है ना? ये थोड़ी जो आएगा काट लेगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, रेलेंस वर्सेस फ्लेचर में क्या था, कुछ लाइबिलिटीज थी विद एक्सेप्शनल केसेस, नॉट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट में क्या होता है, चाहे आपका फॉल्ट है या नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप लाइबल माने जाओगे। एम आई क्लियर? मेरी बात सुनो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ इधर सुनिए। प्रोजेक्टर गिर गया आपके ऊपर, क्या मेरा कोई फॉल्ट है? नहीं है, मैं फिर भी लाइबल हूँ, ये क्या है, एब्सोल्यूट है या स्ट्रिक्ट है? एब्सोल्यूट है। क्लियर है ये बात? पक्का? अच्छा, मेरे किसी एम्प्लॉई ने आपको गलती से हिट कर दिया, तब भी क्या मैं लाइबल हूँ? हाँ या ना? यस, बिकॉज प्रिंसिपल और मास्टर इज लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ एजेंट और सर्वेंट। हाँ या ना? यस और नो? क्लियर है? तो अभी तक मेरे से कोई पूछे हम लोगों ने क्या पढ़ा, पूरा पेज याद हुआ ये वाला? इधर देखिए बच्चे, इधर पहला क्वेश्चन क्या है, टॉट क्या है? एक लैटिन वर्ड टॉटम से लिया गया है, जिसका जो फ्रेंच वर्ड है टॉट, उसका इंग्लिश में मतलब है सिविल रॉन्ग। सेक्शन 2 क्लॉज एम में कह रहा है सिविल रॉन्ग। सेलमन ने बोला सिविल रॉन्ग प्लस अनलिक्विडेड डैमेजेस। उसके बाद आपका विनफील्ड ने बोला, विनफील्ड ने क्या बोला, ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्लस अनलिक्विडेड डैमेजेस। फ्रेजल ने बोला इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रेम। फिर आया टॉट में तीन चीजें होनी जरूरी है, कौन कौन सी? रॉन्ग एक्ट होना चाहिए, डैमेज होना चाहिए, रेमेडियल राइट होना चाहिए, राइट टू सी होना चाहिए, राइट। इसके बाद आया इंजूरिया सिने डैमनो, डैमनो सिने इंजूरिया। वाइकेरियस लाइबिलिटी में मास्टर सर्वेंट आया, उसके अंदर केस का नाम, पहले इंजूरिया सिने डैमनो में केस का नाम क्या था, एचबी वर्सेस वाइट। डैमने सिने इंजूरिया में उसमें था ग्लोकेस्टर ग्रामर स्कूल, ठीक है। इसके बाद आया आपका मास्टर सर्वेंट के अंदर सेंचुरी इंश्योरेंस वाला, ठीक है। इसके बाद आया आपका प्रिंसिपल एजेंट में लॉयड वर्सेज ग्रेसमैन। फिर आया पार्टनरशिप में हैमलिन वर्सेज जॉन ऑस्टन। एम्प्लॉयर और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में डिपेंड करता है मे और मे नॉट, कदम। इसके बाद हमने पढ़ा वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, इंग्लैंड में क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट है, इंडिया में कोई एक्ट नहीं है, इंडिया में सोवर्निटी देखी जाती है, सोवर्न फंक्शन है तो गवर्नमेंट लाइबल नहीं है, और सोवर्न फंक्शन नहीं है तो गवर्नमेंट लाइबल है। क्लियर है? अब सर सोवर्निटी कैसे देखी जाएगी केस के नाम, सोवर्न में गवर्नमेंट लाइबल नहीं है, केस का नाम कस्तूरी लाल रलियाराम जैन, और दूसरा वाला स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज विद्यावती। क्लियर है जी? ये बात हो गई, बात खत्म, डन। इसके बाद आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ टॉर्ट्स, कितने तरीके के टॉर्ट्स होते हैं, 7। बैटरी केस का नाम स्टेनले वर्सेस पावल 1891। इसके बाद हुआ असॉल्ट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, दोनों में एक एक साल के अंदर आप सामने वाले पे केस फाइल कर सकते हो। डेफिमेशन में मेन दो लिबल एंड स्लैंडर, स्लैंडर स्पोकन, लिबल रिटन वर्ड्स और विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। इसके बाद आया दो नए आया, नर्वस शॉक एंड बॉडीलिया, डन। एक आया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, केस का नाम रेलेंस वर्सेस फ्लेचर 1868। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। ऊपर वाली स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विद एक्सेप्शन थी, नीचे वाली विदाउट एक्सेप्शन है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है। हाँ या ना? डन। नो फॉल्ट बेसिस पे आप लाइबल। क्लियर है? आपने अगर कभी सेटिंग अप पढ़ा हो तो उसमें आता है एक एनवायरमेंट लॉ, उसमें एक टॉपिक आता है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। ये सेटिंग अप में पढ़ाया जाता है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। ये एक्ट बना ही एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के बाद था, कि अगर आपकी फैक्ट्री है और चाहे आपकी फैक्ट्री में कोई हादसा हुआ तो आप अपनी लेबर की तो इंश्योरेंस करवाते हो, लेबर को तो आप पैसा दे देगी इंश्योरेंस कंपनी, आप पब्लिक की तो इंश्योरेंस नहीं कराते, आपको पब्लिक की भी इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें भी कुछ हो गया तो उनका भी कॉम्पनसेशन आप इंश्योरेंस कंपनी देगी। मतलब आप अगर बहुत खतरनाक सब चांस बना रहे हो तो आसपास की जो लेबर, आसपास की जो पब्लिक है उसके लिए भी आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। आप बोलोगे माय लॉर्ड वो तो मेरे एम्प्लॉयज़ भी है,
और कुछ हो जाए तो मेरी क्या गलती है? कोर्ट कहता है जी गलती आपकी यही है कि आप जानलेवा प्रोडक्ट बना रहे हो, हमने उसको अलाउ किया हुआ है, लेकिन आपकी ड्यूटी है कि आप पब्लिक को भी सेफ गार्ड करोगे। यस और नो, क्लियर है? सुना हुआ है हम लोगों ने? तो वो कहाँ पे आता है? पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट में। डन, ओके, चले आगे। अब यहाँ पे कह रहा है व्हाट आर दी रेमेडीज इन टॉट, टॉट में कितने तरीके की रेमेडीज होती हैं, सुनिएगा बेटा ध्यान से। कहता है मेन दो तरीके की रेमेडीज है, उसमें आगे डिवाइड है। कहता है एक होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी, एक होती है जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी जिसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जुडिशियल जिसमें आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ या ना? सुनिए, सबसे पहले कहता है जुडिशियल रेमेडीज कौन कौन सी है। कहता है तीन है, जुडिशियल में तीन आती है, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल। फर्क समझ आया? जुडिशियल थ्रू कोर्ट, नॉन जुडिशियल आउटसाइड दी कोर्ट। जुडिशियल में तीन बातें हैं। कह रहा है स्पेसिफिक रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, डैमेजेस एंड इंजंक्शन। अब सुनिए ध्यान से, ये तीन में क्या कह रहा है बेटा, इधर पूरी बात समझिएगा। मेरा एक दोस्त, मैं उसकी सोसाइटी में गया एक दिन, काम था कुछ, उसकी सोसाइटी थी प्रिंता पूरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो। मैं उसके घर गया जब, तो उसने मुझे कहा, मैं नीचे पहुंच के फ़ोन किया, उसने मुझे बोला कि अमित 5 मिनट रुक, मैं नीचे ही आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तब तक मैंने देखा एक लेडी थी आई, मुझे कहती है सर आप मेरी गाड़ी को सोसाइटी के बाहर ले जाओगे? मैंने कहा ले जाऊँगा। सोसाइटी के बाहर लेके गया, जब मैं सोसाइटी के बाहर गाड़ी को लेके गया गेट के बाहर, उसने स्टार्ट करी चली गई। मैंने कहा यार बड़ी पागल औरत है, अगर गाड़ी चलानी आती है तो फिर मेरे को बाहर तक क्यों बोला भाई, बाहर भी खुद ही ले जाती। सिंपल सी बात है ना, सोसाइटी के बाहर भी ले जाती, पहले मुझे कहती है बाहर तक लेके जाओ, फिर उसके बाद वहाँ से खुद चली गई लेके। मेरा दोस्त आया, मैंने कहा यार तेरी सोसाइटी में पागल लोग रहते हैं, एक लेडी फर्स्ट क्लास गाड़ी चला रही थी और लेकिन सोसाइटी के अंदर नहीं चलाई, बोली पहले बाहर करके आप दे दो फिर मैं चला लूँगी। कहता उसको सोसाइटी ने बैन कर रखा है गाड़ी चलाने से विद इन दी प्रिमाइस। मैंने कहा क्यों? कहता नई नई गाड़ी सीखी है उसने 2 महीने पहले। मैंने कहा फिर? कह रहा एक दिन क्या हुआ, गाड़ी चला रही थी, किसी की खड़ी गाड़ी में मार दिया, सोसाइटी में पार्किंग होती है ना, खड़ी गाड़ी में मार दिया। मैंने कहा फिर? कहता फिर वो जिसकी गाड़ी थी उसने कहा मुझे नहीं पता, मेरी गाड़ी ठीक करा के दो। उसने कोई पैसे नहीं मांगे, उसने क्या बोला मेरी गाड़ी का जो आपने नुकसान करा उसको ठीक करा के पहले वाली हालत में कराओ, जो लाइटें वाइटें टूटी लगवाओ। तो वो क्या हुआ, स्पेसिफिक रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। हाँ या ना? क्लियर है? मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहता फिर 10 दिन बाद उसने किसी बच्चे को साइकिल से उड़ा दिया, कोई बच्चा साइकिल चला रहा था सोसाइटी में, उसने गाड़ी से हिट कर दिया। मैंने कहा फिर? कहता बच्चे को चोट लगी। अब माँ बाप ने क्या बोला, बच्चे को चोट लगी, जो डॉक्टर का खर्चा आया सारा दो, तो वो क्या हो गया, डैमेजेस। और मैंने कहा फिर? कहता फिर वो तब भी सुधर नहीं रही थी तो सोसाइटी ने बैन कर दिया, दैट इज इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग सो एक्ट, सो एंड सो एक्ट, आप ये वाला काम नहीं कर सकते, आप पे स्टे लगा देना। तो वो जो एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको दिया, इसमें तीनों बातें हुए, पहले तो गाड़ी हिट करी दो स्पेसिफिक रिस्टिट्यूशन, बच्चे को हिट किया दो डैमेजेस, और तीसरा आ गया इंजंक्शन लगा दिया। क्लियर है? ये तीन जेन्युइन रेमेडीज हैं जो आप कोर्ट से ले सकते हो, लेकिन कहता कुछ रेमेडीज हैं जो कोर्ट में जाने की आपको जरूरत नहीं है। सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले कहता है सेल्फ डिफेंस। आप एक चीज बताओ ना, सेल्फ डिफेंस में किसी बंदे ने, कोई बंदा आपको हिट कर रहा है, आप अपने आप को बचाओगे, यस और नो, कि कोर्ट में जाओगे? अच्छा एक चीज सुनना बड़े ध्यान से, जो मैं कह रहा हूँ सुनिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे आगे कोई खड़ा हुआ है, मेरे आगे कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, सुनिएगा, मेरे आगे कोई खड़ा हुआ है, फुटबॉल आ रही है, मुझे नहीं पता फुटबॉल आ रही है, मेरे आगे जो खड़ा है उसको दिख गई, वो नीचे हो गया और मेरे लग गई, क्लियर है? क्या मैं उस पर केस कर सकता हूँ, जो मेरे आगे खड़ा था तू झुका क्यों, उसने जो किया वो क्या किया, आपने सेल्फ डिफेंस में किया। हाँ या ना? यस और नो? भाई वो झुक गया, उसको नहीं लगी, मेरे लग गई, तो ये सेल्फ डिफेंस में किया, तो ये कोई टॉट नहीं है। ये बात समझ आ रही है? हाँ या ना? क्लियर है? हाँ, लेकिन जिसने फुटबॉल मारी, जिसने एक्चुअल किक मारी, क्या मैं उस पर केस कर सकता हूँ? यस। हाँ या ना? क्योंकि उसकी वजह से मेरे को चोट लग गई। समझ आ रही है बात? पक्का? तो सेल्फ डिफेंस एक रेमेडी है जो आप इमीडिएटली ले सकते हो बिना कोर्ट में जाए। भाई कोर्ट में थोड़ी जाओगे, नीचे होंगे नहीं हूँ, खुद को बचाऊं या ना बचाऊं, सेल्फ डिफेंस तो इमीडिएटली होता है, वो मैटर ऑफ द मूवमेंट है, यस और नो? तो मैटर ऑफ द मूवमेंट के लिए आप कोर्ट में नहीं जाओगे। सही बोल रहा हूँ? आगे कहता है प्रिवेंट ट्रेसपास। आपके ट्रेसपासिंग क्या होता है, कि आपके आपका लैंड है, आपकी प्रिमाइस है, उसमें कोई और बंदा जबरन घुस जाए, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेसपासिंग। और अगर आपकी लैंड है और कोई बंदा घुस जाए तो आप पुलिस की हेल्प से उसे निकलवा सकते हो। तो यहाँ पर भी पुलिस के पास जा रहे हो या कोर्ट में, पुलिस, तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल हुआ। देन फिर पुलिस क्या करेगी, पुलिस उसको निकालने के बाद आपको दोबारा से पोजेशन दे देगी, वो री एंट्री ऑन लैंड हो गया। क्लियर है बात? यस और नो? आपके जैसे जैसे आपकी जमीन पे
कोई और बंदा आ गया तो आप उसे पुलिस की हेल्प से निकलवा सकते हो, आया ना। लेकिन अगर आपके गुड्स किसी और बंदे ने ले लिए, क्या पुलिस की हेल्प से वो भी वापस नहीं लोगे? यस और नो, जवाब दो। तो वो हो गया रिकैप्शन ऑफ गुड्स। रिकैप्शन मतलब मेरे गुड्स से मुझे दिलवाओ। यार मान लो आपके घर में बेल बजी रात को 9 बजे, कोई बंदा आ गया जबरदस्ती अंदर, कहता नहीं जी मैं तो नहीं जाऊंगा, आप पुलिस को फोन करोगे नहीं करोगे? 100 नंबर पे पुलिस आके उसको लेके जाएगी कि नहीं? बिल्कुल लेके जाएगी, हाँ या ना, जवाब दो। दूसरा केस, कोई बंदा आ गया, तो मान लो मेंटली अपसेट है कोई बंदा, पागल है, वो बंदा आ गया और आपके घर में आके कहता है साइकिल मेरे बच्चे की है मेरे को दो, आप कहते हो नहीं हमारी है, नहीं मेरे बच्चे की है, और वो ज़बरदस्ती ले गया, बाहर लेके जा रहा है, पुलिस को फ़ोन करोगे? पुलिस उससे साइकिल दिलवाएगी नहीं दिलवाएगी? बिल्कुल दिलवाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मेरी चीज़ अगर किसी और के पास है, मेरी प्रॉपर्टी में कोई घुस गया है तो मैं पुलिस की हेल्प लूँगा उसे निकालने के लिए, मेरी चीज़ किसी के पास है तो मैं उसे वापस अपने पास लाऊंगा, हाँ या ना, यस और नो, जवाब दो। मैंने एक बार आपको जब मेन बैच में जब मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ बचपन में मैं कंचे खेलता था, मेरे कंचे कोई और बंदा ले गया, कोई और बड़ा बच्चा ले गया, मैं 6 में था, 10th के भैया आए पार्क में बदमाशी करके ले गए, तो मेरे जो फादर थे वो उनके घर गए और उसके फादर को बोला, उसके फादर ने कंचे वापस दे दिए। तो व्हाट वाज दैट, दैट वाज अ टॉट जो उसने किया, क्राइम तो नहीं था, बच्चे थे हम, क्राइम तो था नहीं ये, है ना। तो ये एक टॉट था और मेरे फादर गए, उन्होंने वापस मुझे मेरी चीज़ दिलवा दी, राइट, क्लियर है, पक्का। आगे कह रहा है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। इधर आपका कल एग्जाम है और आपके घर के बाहर डीजे बज रहा है 11 बजे के बाद, बजना तो नहीं चाहिए फिर भी बज रहा है, आप पुलिस पे 100 नंबर पे कंप्लेंट करते हो, पुलिस आके रुकवा देती है उसको, हाँ या ना, या पुलिस आपको कहती है हम नहीं कर सकते कुछ, कोर्ट में जाओ, रुकवा देती है ना, कोई भी न्यूसेंस होगी उसको रुकवाया जा सकता है, हाँ या ना, क्लियर है। और लास्ट पॉइंट कहता है डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट। डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट का मतलब क्या होता है, भाई आपके खेत में सामने वाले का सांड आ गया, सामने वाले का कोई जानवर आ गया, उसने आपके खेत में सारे फसल खराब कर दी, तो आपने मूवीज में देखा होगा हम फिर उसका जो जानवर है वो अपने पास रख लेते हैं, हाँ या ना, उसका बैल हमने अपने पास रख लिया, जब तक तू हमारे खेत की भरपाई नहीं करेगा तब तक हम तेरे बैल को नहीं छोड़ेंगे, यस और नो, होता है ऐसा? और ये भी वैलिड माना जाएगा और इसके लिए भी आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। तो इसका मतलब जुडिशियल में 3 आए, प्रॉपर्टी ठीक करके दो जैसे थी, प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल और इमूवेबल, दूसरा डैमेजेस दो, और तीसरा इंजंक्शन। इधर क्या आ गया, सेल्फ डिफेंस, इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपासिंग, री एंट्री ऑन लैंड, रिकैप्शन ऑफ गुड्स, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, और फिर लास्ट रह गया डिस्ट्रेस डैमेज फी सेंट, क्लियर है, कैटल वाला आ गया, क्लियर है, याद रहेगा, समझ आ गई कहानी। अच्छा एक चीज और सुनिए बेटा, इधर कभी आप पढ़ोगे आईपीसी के अंदर क्राइम इज इक्वल टू मेंस रिया प्लस एक्टस रियस, हम आईपीसी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे मेंस रिया प्लस एक्टस रियस इज इक्वल टू क्राइम, ये बात समझ आ रही है, क्लियर है, सुनना जो मैं कह रहा हूं बेटा, इधर ध्यान से पूरी बात समझिएगा बेटा जो मैं बोल रहा हूं, प्लीज इधर देखिए, कहता है सर मेंस रिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है गिल्ट इंटेंशन, गिल्ट इंटेंशन, और एक्टस रियस मतलब रॉन्ग एक्शन, और ये दोनों किसके लिए जरूरी है, क्राइम के लिए जरूरी है, ये बात समझ आ रही है, यस और नो, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपकी जान ले लूं, आई वॉन्ट टू किल यू, होता है ना कभी कोई गुस्सा आता है इसको तो जान से मार दूं, दिल कर रहा है मार थोड़ी दिया, क्या ये क्राइम है, खाली सोचना क्राइम नहीं है, क्लियर है। और कोई बंदा मेरी गाड़ी के नीचे आ गया मर गया, मैंने जानबूझ के नहीं मारा, मैं तो गाड़ी बहुत स्लो चला रहा था, ड्रिंक भी नहीं करता, रेड लाइट भी जंप नहीं की, फिर भी वो मर गया, आप बताओ यहाँ पर गलत एक्शन हुआ, लेकिन क्या मेरी मारने की इंटेंशन थी, नहीं, तो वो भी क्राइम नहीं है, क्राइम के लिए दोनों चीज़ें जरूरी है, क्या मेंस रिया प्लस एक्टस रियस, रॉन्ग इंटेंशन प्लस रॉन्ग एक्शन, समझ आ रही है ये बात, अब मेरी बात सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, क्राइम में मेंस रिया इंपॉर्टेंट है, क्राइम बिना, अगर मेंस रिया प्रूव नहीं हो रहा, अगर ये प्रूव हो जाए कि सामने वाले ने जानबूझ के नहीं किया तो वो क्राइम नहीं है, समझ आ रही है ये बात, क्राइम का एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है, मेंस रिया। लेकिन आप सुनो, बच्चे ने फुटबॉल खेली, किक मारी और मुझे चोट लग गई, क्लियर है, यहाँ पर क्या उसकी इंटेंशन थी मुझे मारने की, नहीं, फिर भी ये टॉट है, क्या उसके घर वाले मेरी जो चोट लगी है उसका इलाज कराएंगे नहीं कराएंगे, कराएंगे, इसका मतलब टॉट के लिए मेंस रिया जरूरी नहीं होता, याद रहेगी बात, हाँ या ना। अगर मान लो कि इट इज लाइक प्रोजेक्टर गिर गया, आपको चोट लग गई, आपको चोट लगी, मैं कह रहा हूँ बेटा सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया, तो मैं कब कह रहा हूँ जानबूझ के किया, नहीं किया, लेकिन फिर भी चोट तो लगी है ना,
इसका मतलब ये, अगर मेंस रिया प्रूव ना हो तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा, लेकिन मेंस रिया प्रूव ना हो तो वो टॉर्ट भी नहीं माना जाएगा। या टॉर्ट तो है, वो टॉर्ट तो है, क्योंकि टॉर्ट के लिए मेंस रिया जरूरी नहीं है। समझ आ रही है ये बात? ये पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। टॉर्ट जैसे आता है, मेंस रिया इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ टॉर्ट एज वेल एज क्राइम, तो हम बोलेंगे क्राइम का तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है लेकिन टॉर्ट का नहीं है। क्लियर है ये बात? हाँ या ना? देखिए क्या कह रहा है, मेंस रिया नॉट एसेंशियल फॉर टॉर्ट, इट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिमिनल रॉन्ग। यस और नो? जवाब दो। आगे कह रहा है, ये एक मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, ये आपको सीआरपीसी में भी पढ़ाई जाती है, आईपीसी में भी पढ़ाई जाती है। क्लियर है? एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, इसका मतलब है अगर कुछ गलत काम हुआ है लेकिन आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी तो वो तो आप गलत नहीं माने जाओगे। देखिए, एक्ट क्रिएट्स नो गिल्ट इन एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड। यस और नो? अगर कुछ गलत एक्शन हुआ है लेकिन मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। क्लियर है ये बात? यस और नो? एम आई क्लियर? तो इसका मतलब यहां पर हमें ये रेमेडीज इन टॉट समझ आ गई और साथ में मेंस रिया भी समझ आ गया। डन? मेंस रिया में क्लियर है ना? एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, इसका मतलब क्या है? मेंस रिया गिल्ट इंटेंशन किसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, टॉट का या क्राइम का? क्राइम का। टॉट में मतलब अगर सामने वाले की वजह से मुझे चोट लगी, प्रोजेक्टल नीचे गिर गया, मैं बोल रहा हूं माय लॉर्ड मेरी इंटेंशन नहीं थी, कोर्ट कहेगा बेटा वो चाहिए भी नहीं, इंटेंशन है या नहीं है, फॉल्ट है या नहीं है, नो फॉल्ट बेसिस है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, तो आप लायबल माने जाओगे। एम आई क्लियर? पक्का समझ आ गया पूरा चैप्टर? टोटल क्वेश्चन कितने बने इसमें? पहला क्वेश्चन इंट्रोडक्शन, जिसमें 4 डेफिनेशंस, दूसरा व्हाट आर दी एसेंशियल्स फॉर टॉर्ट, जिसमें 3 एसेंशियल्स हैं, फिर इंजूरिया सिने डैमनो, डैमनो सिने इंजूरिया, फिर विकेरियस लाइबिलिटी में 4 केसेस हैं, फिर उसके बाद आपका आ जाता है विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, जिसमें 2 केसेस हैं। मेरी चार्ट की भाषा में अगर आप समझो, जो मेरे से पढ़ा हुआ है उनको पता है, मैं ऊपर लिखूंगा विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, इधर इंग्लैंड, इधर इंडिया, इंग्लैंड में क्राउन प्रोसीडिंग, इंडिया में 2 पार्ट, सवर्न एंड नॉन सवर्न, सवर्न में नॉट लाइबल, नॉन सवर्न में लाइबल, फिर उसके नीचे केसेस के नाम। डन? क्लियर है? विद्यावती वाला और उधर कस्तूरी लाल। डन? इसके बाद हमने क्या पढ़ा? काइंड्स ऑफ टॉर्ट 7 है, बैटरी है, असॉल्ट है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट या रॉन्ग कन्फाइनमेंट, डेफेमेशन में 2 लिबल और स्लैंडर। इसके बाद आ गए नर्वस शॉक एंड बॉडीली हार्म। इसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, रेलेंस वर्सेज फ्लेचर, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एमसी मेहता। क्लियर है ये बात? इसके बाद आ गया रेमेडीज, जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल, जुडिशियल में 3 है, एक्स्ट्रा में 6 है, हो गया। और इसके बाद लास्ट आ गया मेंस रिया जो है वो टॉर्ट के लिए जरूरी नहीं होता, क्राइम के लिए जरूरी होता है। एनी डाउट इन लॉ ऑफ टॉर्ट? क्लियर है सबको? श्योर? थैंक यू।